नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्या। स्वागत है आपका इस नए सेशन में। क्या बोलता है पब्लिक, क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार है? चलो देन, चलो चलो चलो, लेट द गेम बिगिन। यस सो गाइस, कल किक स्टार्ट मिल गया है अपने को। यस, कॉस्ट शीट का, ठीक है। लॉजिकली फुल अपन लोग ने स्टार्ट कर दिया है। आई एम श्योर आप लोगों को चीजें सब समझ में आ ही गई होगी। यस एवरीवन, बोलो बोलो, चल चल, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके चल, डन। सो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कल जो पढ़ा, और फिर आज की कहानी को शुरुआत करते हैं। चलो फटाफट मेरे को बताते जाओ कल अपन लोग ने क्या क्या पढ़ा। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपने पॉकेट मनी से। सो पॉकेट मनी जब अपने को मिलने लगी, तब अपने को रियलाइज हुआ कि यस, खर्चा क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। फर्स्ट मंथ में तो अपन लोग ने खर्चा कर भी दिया, ठीक है, बट वो खर्चे का कोई हिसाब नहीं रखा। और फिर बाद में मम्मी पापा ने बोला, बेटा खर्चा कहां पे गया है वो तो बता, वो तो बता। एंड दैट इज वेयर मुझे समझ में आया दैट मुझे चीजों को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। सो सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना चालू किया मैंने, ठीक है। फिर अब मैंने रोज लिखना चालू कर दिया क्या कि भाई मेरा आज का 100 रुपए का खर्चा हुआ, कल 150 का, कल 200 का, आज 50 रुपए का, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मम्मी ने पूछा, अरे बेटा तेरा 100 रुपए का, 200 रुपए का खर्चा हुआ है, वो हुआ कहां पे? ठीक है, तूने रिकॉर्ड कर दिया कि खर्चा हुआ है कितना, बट कहां हुआ है, उसका क्लासिफिकेशन किधर है? मैंने बोला, अरे मैं तो भूल ही गया, तो क्लासिफाई भी करना है और साथ में उसको एक प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्म में देना है, ताकि एवरी मंथ में जब देते जाऊं तो उस फॉर्मेट में ही देते जाऊं। ऐसा ना हो कि आज मैंने कोई और फॉर्मेट बनाया, कल कोई और फॉर्मेट बनाया, कल कुछ और तरह से लिख के दे दिया। तो खाली रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करना ही सब कुछ नहीं है, बट उसके साथ साथ एट द सेम टाइम मेरे को यह भी एंश्योर करना है कि मैं उसको प्रॉपर फॉर्मेट में दूं, ताकि वही फॉर्मेट लाइफ टाइम चलता रहे, या जब तक मेरे को पॉकेट मनी मिल रही है तब तक चलता रहे, एंड पेरेंट्स को अंडरस्टैंडिंग मिलती रहे। Am I right? So, ये चीज को देखो, बार बार मैंने क्या वर्ड यूज किया, ये मम्मी पापा ने बोला, बेटा तेरा खर्चा कहां पे हुआ है हमको बता, खर्चा क्लासिफाई करके तो बता। एंड खर्चा होता क्या है, इट इज नथिंग बट कॉस्ट। एंड दैट इज वेयर अपने को समझ में आया दैट अगर खर्चे को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है, अगर खर्चे को, खर्चा मतलब कैन आई से कॉस्ट, भाई कॉस्ट का हिंदी का मतलब क्या होता है, कैन आई से इट इज नथिंग बट खर्चा। खर्चे को, कॉस्ट को अगर मेरे को तीन चीज क्या सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना है, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना है, प्लस 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 उसको प्रॉपरली क्लासिफाई करना है, सो प्रॉपर क्लासिफिकेशन प्लस एट द सेम टाइम, तो सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड भी किया, प्रॉपरली उसको क्लासिफाई भी किया, एंड एक प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्मेट में प्रेजेंट किया है। तो एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में प्रेजेंट किया है। जब अपन ये तीनों चीज कर लेते हैं वी से, जब अपन कोई कॉस्ट के लिए ये तीनों चीज कर लेंगे वी से, वी आर मेकिंग अ कॉस्ट शीट, वी आर मेकिंग अ कॉस्ट शीट, खर्चे के लिए एक स्टेटमेंट। अभी क्लियर? सो कॉस्ट शीट का अगर कभी कोई डेफिनेशन पूछे तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा अभी से, या रट्टा मारना पड़ेगा सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड, क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट फॉर्मेट, नहीं, ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉजिकली एग्जाम्पल के थ्रू अपन लोग ने चीजों को समझा है। एम आई राइट? यस। चल ओके, फर्स्ट डे पे अपन लोग ने सेकेंड डे पे कौन सा कॉन्सेप्ट सीखा था, क्या उसके तीन एग्जाम्पल बता सकते हो क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट सीखा था अपन लोग ने? देखो अगर किसी का कोई लेक्चर मिस हो गया है तो यूट्यूब पे मैंने ये सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं, आप वहां से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई बता रहा हूं। चलो सो नेक्स्ट है मेरा कि भाई क्या बताया था आपको फर्स्ट सेकेंड लेक्चर पे, करेक्ट,
क्या क्या सीखा क्या था उससे कॉन्सेप्ट, रेस्टोरेंट, बैंक, लिफ्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये तीन एग्जाम्पल मैंने लिए थे, रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल, बैंक का एग्जाम्पल, लिफ्ट का एग्जाम्पल। ये तीनों एग्जाम्पल से क्या समझ में आई थी बातें, कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया था वो भी बताओ। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट यशस्वी। एंड इट इज कॉस्ट शुड बी बेस्ड ऑन कंसम्पशन, कॉस्ट शुड बी बेस्ड ऑन कंसम्पशन। जय बात। चलो सो एग्जाम्पल्स भी याद रह रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स भी याद रह रहा है, और क्या चाहिए। ठीक है, अब इस कॉस्ट शीट के लिए अपन लोग ने दो मेजर क्लासिफिकेशन किए थे। क्या है वो दो मेजर क्लासिफिकेशन, चलो वो भी बता दूं। इस कॉस्ट शीट के लिए अपन लोग ने दो मेजर क्लासिफिकेशन किए थे। क्या है वो दो क्लासिफिकेशन बता दो। क्या है वो दो क्लासिफिकेशन। करेक्ट, एक होता है मेरा डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा होता है मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट। चलो मुझे बताओ कि ये जो मेरा डायरेक्ट कॉस्ट है उसका मतलब क्या होता है। मुझे पूछ रहा है अब्दुल, पूछ रहा है सर कल का लेक्चर मिस हो गया, आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भाई, आ जाओ बिंदास। चलो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है। करेक्ट, ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मेरे सामने ही बैठे हो, लाइव बैच चालू है। ठीक है, इतना अच्छा एक कनेक्शन है तुम लोग सब लोग के साथ, वेरी नाइस। नहीं, शुभम, फील और टच डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है, अपने को पहले डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है वो बताना है। ये देखो डायरेक्टली एलोकेबल बोल रही है पलक 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 पलक, डायरेक्ट मटीरियल नहीं पूछ रहा हूं, मैंने पूछा डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट विच इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन। करेक्ट, सो कॉस्ट 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 डिपेंडेंट ऑन आउटपुट स्लैश प्रोडक्शन, राइट। एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन, कॉस्ट नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन, ये होता है मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट। कॉस्ट विच चेंजेस विद आउटपुट, विच डज नॉट चेंज विद आउटपुट, एब्सोल्युटली करेक्ट। और फिर याद रखना कि भले ही वो, देखो तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कॉस्ट, आज के बाद कॉस्ट को दो ही पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक है डायरेक्ट कॉस्ट तो दूजा है इनडायरेक्ट कॉस्ट, राइट। राइट सर, अब वो डायरेक्ट कॉस्ट हो या इनडायरेक्ट कॉस्ट, दोनों में जो एलिमेंट्स है वो तीन एलिमेंट्स ऑलवेज सेम रहेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन से तीन एलिमेंट्स है वो। अरे भाई वो डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, वो तो समझ में आ गया। अब आप लोग बताओ मुझे कि कोई भी कॉस्ट हो, वो डायरेक्ट कॉस्ट हो या इनडायरेक्ट कॉस्ट हो, तीन एलिमेंट है वो ऑलवेज ऑलवेज सेम रहेंगे। क्या है वो तीन एलिमेंट्स, बोलो बोलो, टेल टेल। वाह वाह वाह, एब्सोल्युटली करेक्ट। वो तीन एलिमेंट्स है मेरे मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। जी हां, मटेरियल डायरेक्ट भी होता है, लेबर डायरेक्ट भी होता है, एक्सपेंस डायरेक्ट भी होता है, इन द सेम वे इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सही बोल रहा हूं, एकदम सही जा रहा हूं, सही जा रहा हूं, करेक्ट है गाइस, एकदम करेक्ट है सर, एकदम करेक्ट है। सो आज के बाद इन शॉर्ट मेरे डायरेक्ट कॉस्ट के लिए भी तीन बाइफरकेशन होंगे। जरा बोलो तो क्या है वो बाइफरकेशन, मेरे डायरेक्ट कॉस्ट के लिए भी तीन बाइफरकेशन होंगे, क्या है वो बाइफरकेशन। एंड मेरे इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए भी तीन बाइफरकेशन होंगे, बोलो क्या है वो बाइफरकेशन। बोलो, करेक्ट। तो इसको क्या बोलेंगे अपन अभी से, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस।
और इन तीनों को मिला के जो बनता है उसको क्या बोलेंगे अपन, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी कॉस्ट, ठीक है, जिसको प्यार से प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, जिसको प्यार से प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। समझ में आई बात एवरीबॉडी, यस और नो? ओके, वैसे ही जो मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसमें भी आते हैं तीन चीजें, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों को मिला के कहते हैं क्या क्या क्या, ये तीनों को मिला के कहते हैं सेकेंडरी कॉस्ट। एंड इसको आज के बाद अपन क्या कहेंगे, ओवरहेड्स। तो एनी इनडायरेक्ट कॉस्ट इज बेसिकली अ ओवरहेड। क्या ये सब याद आ रहा है तुम लोग को? देखो रिवाइज मैं तुम्हारे लिए ही करवा रहा हूं, हर एक चीज रिवाइज हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं बिंदास, बट रिवाइज जरूर करेंगे अपन। याद आ गया, सब चीज याद आ गई आपके चेहरे के आगे पे, एवरीथिंग क्लियर? ओके डन डन डन। बस अब इस डायरेक्ट मटेरियल को, इस डायरेक्ट लेबर को और फर्दर अपन लोग ने एनालाइज किया था और समझने की कोशिश की थी, तो यहां पे वो तीनों का एनालिसिस भी अपने पास पड़ा है। डायरेक्ट मटेरियल आइडेंटिफाइबल इन द प्रोडक्ट, फील टच रॉ मटेरियल का आप कर सकते हो, शुड बी यूज्ड इन प्रोडक्शन एंड डायरेक्टली चार्जेबल टू द प्रोडक्ट, वुड इन अ वुडन चेयर एंड कॉटन इन अ शर्ट से अच्छा एग्जाम्पल और क्या होगा। डायरेक्ट लेबर वैसे ही वर्क स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द वर्कर, जो स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट, जो लेबरर होता है फैक्ट्री में, ही इज बीइंग पेड वेजेस, ही इज रिस्पॉन्सिबल। तो उसको जो वेजेस मिल रहा है वो डायरेक्ट लेबर है, क्योंकि वो एक्चुअली फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहा है। एंड अगर कोई डायरेक्ट कॉस्ट है बट ना वो डायरेक्ट मटेरियल है ना वो डायरेक्ट लेबर है, तो वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। ए समझू? तो इसमें एक डाउट पूछा है अर्नव ने, आई गेस अर्नव पूछा, तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन का एग्जाम्पल समझा रहा, तो जरूर बता दे हैं। तो अर्नव जी, तो ऐसे आप लोगों को भी कोई डाउट हो बेझिझक पूछते रहिएगा। तो अर्नव जी ये देखिए, हमने सोचा कि भाई अब आप कुछ भी हो जाए बोलेंगे लास्ट में कि सर क्या यार आपने तो कॉशिट बराबर पढ़ाया ही नहीं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। अगर आप ऐसा बोल देंगे तो यार मुझे लग रहा है कि छोड़ो यार टीचिंग नहीं करना है मुझे, अब मैं टीचिंग नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरा बिजनेस चालू कर रहा हूं। तो मैंने बिजनेस चालू किया कार का, खुद से कार बिक नहीं रही थी तो मैंने फरारी के साथ टाइप किया और उनको बोला कि उनका ये जो बिल्ला है, ये जो फरारी का बिल्ला होता है ना, बिल्ला मतलब उनका लोगो, बस उनके पास से वो मैं ले लूंगा और वो फरारी का लोगो लेके मैं अपनी कार पे लगा दूंगा। उसके लिए मुझे उनको 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया रॉयल्टी देना पड़ता है। तो वो जो मैंने 50,000 रुपया रॉयल्टी दिया है किसके लिए दिया है, वो खाली वो लोगों के लिए दिया है मैंने, बराबर है? अब मेरे को तू बता अर्णव, क्या वो मेरा डायरेक्ट कॉस्ट है क्या? द आंसर इज यस, क्योंकि मेरे को हर कार जो मैं बनाऊंगा, मैं तो उसको फरारी के नाम पे बेचने वाला हूं, तो हर कार के लिए मुझे फरारी का लोगो लेना पड़ेगा, फरारी के पास से हर लोगो का मुझे 50,000 देना है, तो डायरेक्ट कॉस्ट है क्या? यस, वेयरिंग डायरेक्टली विद द प्रोडक्शन। बट क्या वो डायरेक्ट मटेरियल है? द आंसर इज नो, बिकॉज पूरे कार में तुम उसको टच एंड फील नहीं कर सकते हो, या इट इज नॉट यूज्ड फॉर अ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए वो यूज होना चाहिए, कोई यूज नहीं हो रहा है प्रोडक्शन के लिए, ना वो डायरेक्ट लेबर है, तो डायरेक्ट कॉस्ट है बट ना वो डायरेक्ट लेबर है ना डायरेक्ट मटेरियल है, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। अर्णव जी आपको समझ में आया? अर्णव बड़ा ही भोला है, बोल रहा है कि सर लेकिन लोगो तो टेंजिबल है ना। अरे हाँ मेरे भाई टेंजिबल है, बट इज इट यूज्ड फॉर प्रोडक्शन? ये देखिए इधर क्या लिखा है, शुड बी यूज्ड इन प्रोडक्शन। तू बोलेगा हाँ सर देखो मैं लोगों को तो टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, हाँ मतलब आइडेंटिफाइबल इन द प्रोडक्ट, मतलब पूरे प्रोडक्ट में उसका एक अस्तित्व होना चाहिए, शुड बी यूज्ड इन प्रोडक्शन, ऐसा तो हो नहीं रहा है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में मैं बोल रहा हूँ कि ये बॉटल में देखो स्टील है, स्टील तो अस्तित्व है उसका, स्टील कहीं पे भी टच एंड फील दिखेगा तेरे को स्टील का, मैं बोल रहा हूँ ये कैलकुलेटर के लिए प्लास्टिक यूज हुआ है, तेरे को फील आएगा रॉ मटेरियल, ठीक है? चलो अर्णव जी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है एंड इधर तक वी आर ऑल वेरी वेरी क्लियर।
चलो सो यहां तक अपना सिस्टम सेट है। अब डायरेक्ट कॉस्ट के बाद बारी आती है, कंटिन्यू करता हूं मैं, एंड अब बारी आती है इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर। अब बारी आती है इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर। इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट के तीन पार्ट? बोलो बोलो, टेल टेल, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं भाई? इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी तो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या है वो तीन पार्ट? हाँ, करेक्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यस, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट के तीन पार्ट जैसा आप लोग ने बोला, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक है इनडायरेक्ट मटेरियल, दूसरा है इनडायरेक्ट लेबर, तीसरा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। चलो इनडायरेक्ट मटेरियल लेते हैं पहले। इसका मतलब एनी मटेरियल जो यूज हो रहा है फैक्ट्री में बट नॉट डायरेक्टली यूज्ड इन प्रोडक्शन, जैसे कि टूल्स एंड स्पेयर्स। पाना पता है? पाना पाना होता है पाना, हथौड़ा होता है हथौड़ा, पाना, स्क्रू ड्राइवर, ये सब मटेरियल है, ये सब मटेरियल चीज है। मटेरियल होता है ना, मटेरियल भाई कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल ये मटेरियल है। तो पाना है, स्क्रू ड्राइवर है, हथौड़ा है, ये सब मटेरियल है। बट क्या ये डायरेक्ट मटेरियल है क्या? द आंसर इज नो। ये क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। क्यों? क्योंकि यूज हो रहा है प्रोडक्शन में, बट हर प्रोडक्ट के साथ एक नया हथौड़ा, एक नया स्क्रू ड्राइवर, एक नया पाना, एक नया वो जो होता है वो नहीं होने वाला है। समझ में आया? तो वो मटेरियल है बट इनडायरेक्ट, नॉट डायरेक्टली यूज्ड इन प्रोडक्शन, नॉट वेरिंग विद चेंज इन आउटपुट। यस, वेरी गुड प्रशस्त। प्रशस्त ने लिखा है सर, रॉयल्टी गिवन फॉर यूजिंग टेक्नोलॉजी। अब यहां तो टेक्निकल चीज है तो ना तो फील कर सकते हैं, तो मटेरियल नहीं है और ना ही कोई इंसान है, तो लेबर भी नहीं है, तो ये आ गया डायरेक्ट एक्सपेंस। वेरी गुड प्रशस्त, शाबाश। चलो अब आ जाओ इधर, इनडायरेक्ट मटीरियल। तो इनडायरेक्ट मटीरियल का अपन लोग ने लिखना है पहले, एनी मटीरियल एनी मटीरियल नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन स्लैश आउटपुट। एग्जाम्पल, टूल्स एंड स्पेयर्स ऑफ मशीनरी। बराबर, डन। चल नेक्स्ट है मेरा इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर मतलब से फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई लेबरर है जो फैक्ट्री में आया ही नहीं कभी, जो ऑफिस से काम कर रहा है और उसको मैं उसका सैलरी दे रहा हूं, तो वो लेबरर है। से फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑफिस का पियून, वो लेबरर है, ऑफिस में काम कर रहा है, ऑफिस का वो झाड़ू निकाल रहा है, ठीक है। बट क्या वो प्रोडक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या? क्या हर प्रोडक्शन पे वो इन्वॉल्व है क्या? नहीं, इनडायरेक्ट लेबर। समझ में आया क्या बात एवरीबॉडी? सो लेबर एम्प्लॉयड
लेबर एम्प्लॉयड बट नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्रोडक्शन और आउटपुट. एग्जाम्पल सुपरवाइजर हो गया, एडमिन स्टाफ हो गया. से फैक्ट्री में ही है ये बंदा, फैक्ट्री में ही है बट सुपरवाइजर है. अब फैक्ट्री का जो सुपरवाइजर होता है क्या ना, इससे वो इनडायरेक्ट लेबर जैसा है भाई. वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, वो खाली लेबरर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व कर रहा है, उनको ऑब्जर्व कर रहा है. अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो वो जो ऑब्जर्व कर रहा है, सुपरवाइजर है, वो सुपरवाइज कर रहा है. ही इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, बट उसको जो सैलरी जाने वाला है वो इनडायरेक्ट लेबर में जाएगा. सर जो मैकेनिकल इंजीनियर होगा वो इनडायरेक्ट लेबर होगा. अगर वो सुपरवाइजर के कैपेसिटी में तो वो इनडायरेक्ट लेबर होगा, और अगर वो वर्कर के कैपेसिटी में तो वो डायरेक्ट लेबर होगा. फर्क. चलो एंड लास्ट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस. जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस का, डायरेक्ट एक्सपेंस का डेफिनेशन बताओ मुझे. चलो अभी का अभी सब लोग एवरीबॉडी डायरेक्ट एक्सपेंस का डेफिनेशन बताएंगे मुझे, देखते हैं कितने को क्या याद है. हाँ आप मुझे अभी का अभी डायरेक्ट एक्सपेंस का डेफिनेशन बताएंगे. चलो बोलो. आई एम वेटिंग. आप यूट्यूब पे देख रहे हैं कमेंट करके बताइए. चलो अब तक आपने सब लेक्चर्स तो देख लिए होंगे, आइडिया हो जाना चाहिए आपको अभी तक तो. क्या होता है इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस? डेफिनेशन बोला मैंने. डायरेक्ट एक्सपेंस नानी. वेरी गुड पलक, यू आर ऑलमोस्ट देयर. देखो पलक ने लिखा है कॉस्ट विच इज नाइदर डायरेक्ट मटेरियल नॉट डायरेक्ट लेबर. कमाक्षी ने लिखा है विच इज नाइदर डायरेक्ट मटेरियल नॉर लेबर. एक्सपेंस विच इज नाइदर डायरेक्ट मटेरियल नॉर लेबर, ऐसा साक्षी ने लिखा है. यार तुम लोग प्रॉपरली लिखो ना. श्रेया पांडे ने एकदम सही लिखा है. एनी डायरेक्ट कॉस्ट विच इज नाइदर डायरेक्ट मटेरियल नॉर डायरेक्ट लेबर इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस. खाली एनी कॉस्ट मत लिखो, ऐसा मत लिखो एनी कॉस्ट विच इज नाइदर डायरेक्ट मटेरियल नॉर नॉट डायरेक्ट लेबर. एनी डायरेक्ट कॉस्ट बेटा, समझे क्या? आर वी क्लियर? सो प्लीज बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स. इधर देखो मैंने खाली ऐसे नहीं लिखा एनी कॉस्ट, एनी डायरेक्ट कॉस्ट विच इज नाइदर डायरेक्ट मटेरियल नॉट डायरेक्ट लेबर इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस. समझे यू एवरीवन? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का भी वैसा ही डेफिनेशन क्या आएगा? एनी इनडायरेक्ट कॉस्ट which is neither indirect material nor indirect labor is a indirect expense. Samjhe? Chalo example factory rent. फैक्ट्री रेंट एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है, बट फैक्ट्री रेंट कोई टच एंड फील तो है नहीं, तो मटेरियल तो नहीं है, कोई इंसान भी नहीं है, तो लेबर भी नहीं है, तो क्या हुआ? गुड पॉइंट. दिव्या जैन ने बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है जो मुझे लगा था कल कोई बोलेगा, बट उसने आज बोल दिया है. सर कांट मशीन ऑयल यूज फॉर रनिंग द मशीन्स बी एन इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट? नॉट ऑलवेज मशीन ऑयल यूज विल बी डिपेंड ऑन प्रोडक्शन. एब्सोल्युटली यस. सो मशीन ऑयल इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्शन कि भाई वो कितना यूज हो रहा है, क्या वो हर प्रोडक्शन के लिए उतना कंजम्पशन हो रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो इनडायरेक्ट में चले जाएगा. यू आर राइट दिव्या. ठीक है चलो यहां पे आ जाएगा एग्जाम्पल फैक्ट्री रेंट. एंड जैसा मैंने बोला था ना, देखो जब मैं डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट बता रहा था
तो मैंने बताया था कुछ कुछ होते हैं जो डायरेक्ट में भी आ सकते हैं, इनडायरेक्ट में भी आ सकते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट, समझ रहे हो, डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट कभी कभी डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो क्वेश्चन आपको जैसा बोलेगा आपको उस हिसाब से अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। फैक्ट्री रेंट, फिर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, ठीक है, प्लीज, यस 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 यस, चलो बहुत अच्छा लग रहा है। सो अच्छा लग रहा है तुम लोग का थॉट प्रोसेस देखकर कि यस तुम लोग भी चीजों को रैशनली क्वेश्चन कर रहे हो, समझ रहे हो एक एक चीज को, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। प्रशांत, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात हो रही है, तो अगर ऑयल मेरा प्रोडक्शन में एकदम प्रोपोर्शनेटली यूज नहीं हो रहा है तो वो इनडायरेक्ट में चले जाएगा। ठीक है, चलो। सो डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, डन एंड डस्टेड, पूरी तरह से अपन समझ चुके हैं इसको। अब अगर मेरे को मोटा मोटा एक बार एक कॉस्ट शीट बनाना है, प्लीज एवरीबॉडी नाउ पे अटेंशन। हा, अब एक और नई चीज आने वाली है, तो मुझे चाहिए आप लोग सब लोग ध्यान देंगे। अब अगर मैं कॉस्ट शीट बनाता हूं, इस कॉस्ट शीट को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, ठीक है, इस कॉस्ट शीट को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, क्या दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, बोलो बोलो, इस कॉस्ट शीट को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, बोलो बोलो क्या, करेक्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जेब बात, कैन आई से डायरेक्ट कॉस्ट का तीन बाइफरकेशन है, क्या क्या, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों को मिला के बनता है क्या, बनता है प्राइम कॉस्ट, बनता है प्राइम कॉस्ट, ए समझ गए। और दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को मिला के भी क्या बनता है, ओवरहेड्स। अब मैं तुम लोग को ओवरहेड्स का बाइफरकेशन बताने वाला हूं, दिल थाम के बैठिए भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, दिस ओवरहेड्स इज ऑल्सो फर्दर सब डिवाइडेड इंटू, एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक होता है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, और एक होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। समझे क्या, ये तीन पार्ट में ओवरहेड्स को, तो डायरेक्ट कॉस्ट का काम इधर का इधर ही खत्म हो गया मेरा, डायरेक्ट कॉस्ट का काम मेरा इधर का इधर ही खत्म हो गया, इनडायरेक्ट कॉस्ट में फर्दर बाइफरकेशंस आएंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट में फर्दर बाइफरकेशंस आएंगे। अब ध्यान से सुनना, देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स फैक्ट्री में होने वाला इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री में होने वाला इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री में होने वाला इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज कॉल्ड एज अ फैक्ट्री ओवरहेड्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस, क्या बोला, फैक्ट्री में होने वाला इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सो टूल्स स्पेयर्स कहां पे पड़े रहते हैं, टूल्स स्पेयर्स पड़े रहते हैं फैक्ट्री में, ठीक है, क्या है वो, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट मटेरियल। सो इनडायरेक्ट मटेरियल विच इज इन द फैक्ट्री इज कॉल्ड एज अ फैक्ट्री ओवरहेड्स। ए समझू एवरीबॉडी।
ऑफिस एंड एडमिन, क्या लग रहा है? करेक्ट, ऑफिस में होने वाला, एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट, ऑफिस में होने वाला। सो ऑफिस में होने वाला इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंड लास्ट लास्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स रिलेटेड, सेल्स डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस। करेक्ट 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 करेक्ट। सेल्स रिलेटेड, सेल्स डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस, इनको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो सेल्स डिपार्टमेंट में कोई इनडायरेक्ट मटेरियल हुआ, इनडायरेक्ट लेबर हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाएगा। समझ में आया बात एवरीबॉडी? क्लियर 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 है? डन। चलो, तो अब आप बोलेंगे कि सर इसका भी कुछ एग्जाम्पल दे दो। चलो इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। दो मिनट मेरे को देना, दो मिनट मेरे को और देना, फिर अपन लोग पूरा वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे। अब कैन आई से मैं कर रहा हूं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब मेरा तीन तरह के ओवरहेड्स होते हैं भैया, तीन तरह के ओवरहेड्स होते हैं। एक हो सकता है वो फैक्ट्री रिलेटेड, एक हो सकता है वो ऑफिस एंड एडमिन, एक होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड। ठीक है, एक होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरा होता है वो ऑफिस एंड एडमिन, तीसरा होता है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चलो फैक्ट्री रिलेटेड मैंने जो भी है वो क्या आ जाएगा? हाँ दो मिनट रुक जाओ ना, फिर मैं लिखने का टाइम दूंगा, दो मिनट रुक जाओ ना। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब क्या था? फैक्ट्री में होने वाला कोई भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज बराबर इज फैक्ट्री ओवरहेड। सो एनी काइंड ऑफ दो मिनट देना बस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंकर्ड इन द फैक्ट्री, इंकर्ड इन द फैक्ट्री। तो देखो तुम लोग अगर नोट करोगे ना तो मेजर तीन एलिमेंट मटीरियल लेबर एक्सपेंस ही है। ठीक है, उसको खाली एक फर्दर सब डिविजन मिल गया है यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर मेरे को कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं तो मुझे बताओ क्या एग्जाम्पल लिख सकता हूं मैं? इनडायरेक्ट मटेरियल जो फैक्ट्री में होता है, कैन आई से टूल्स एंड स्पेयर्स, वो इधर आ सकता है। ठीक है, और कोई इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे दिव्या ने बोला भाई ऑयल जैसा कुछ भी आ सकता है। ठीक है चलो, और इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर सुपरवाइजर सैलरी, चलो सुपरवाइजर सैलरी। ठीक, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो फैक्ट्री में होता है, कैन आई से फैक्ट्री रेंट, मशीन डेप्रिसिएशन। डन 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 डन। ऑफिस एंड एडमिन बोलो इसका मतलब? एनी काइंड ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंकर्ड इन द ऑफिस, इंकर्ड इन द ऑफिस। एम आई राइट? यस सर। चलो so, अगर मेरे को यहां पे इनडायरेक्ट मटेरियल लेना है, ऑफिस का इनडायरेक्ट मटेरियल बोलो क्या आएगा? कहना इसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो भी है मेरा वो ऑफिस में रखा होता है, बराबर है। इनडायरेक्ट मटेरियल कोई
प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड तो है नहीं, वो जो पेपर प्रिंटिंग का पेपर है, प्रिंटिंग का स्टेशनरी का सामान है, बराबर है, तो वो तो मेरा कोई डायरेक्टली रिलेटेड है तो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल, बट ऑफिस में पड़ा है तो ऑफिस एंड एडमिन में आ जाएगा. एम आई राइट गाइज? सो यहां पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख सकता हूं मैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. चलो इनडायरेक्ट लेबर का कोई एग्जांपल अब तुम लोग दे दो यार, अब तुम लोग दे दो. यस, कंप्यूटर स्टेशनरी सब उधर इनडायरेक्ट मटेरियल में जाएगा, करेक्ट है. हाँ, इनडायरेक्ट लेबर का एग्जांपल तुम लोग दे दो. हाँ, एडमिन स्टाफ का सैलरी, मैनेजर का सैलरी विल कम इन ऑफिस एंड एडमिन. वेरी गुड. एडमिन टीम का सैलरी, वेरी नाइस. ओके ओके. फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ऑफिस रेंट, जैसे फैक्ट्री का रेंट है वैसे ऑफिस का रेंट होगा, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस एटसेट्रा. ए समझे? बस अब तो ऑलमोस्ट खत्म होने आई है बातें, लास्ट के ऊपर आ जाते हैं. दैट इज योर सेलिंग एंड एडमिन. एनी काइंड ऑफ इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंकर्ड फॉर सेल्स. So, यहां पे चलो सेल्स डिपार्टमेंट में अगर हम लोग ने कोई सेकेंडरी पैकेजिंग किया तो वो हो गया मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट. ठीक है, सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, बट बेसिकली से फॉर एग्जांपल से यहां पे ये पेन है, ये पेन को, अब पेन को आइडियली मैं ऐसे भी बेच सकता हूं, बट ये पेन को मैं और थोड़ा बाहर से पैकिंग वैकिंग करूंगा तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी पैकेजिंग. ठीक है ना? तो ये पेन के बाहर मैंने कुछ और लगा दिया, एक कवर और, मैं कल ही एक पेन लिया था उस पे कवर था, वो सेकेंडरी पैकेजिंग का मस्त एग्जांपल था. तो सेकेंडरी पैकेजिंग, तो सेकेंडरी पैकेजिंग ओके. फिर इनडायरेक्ट लेबर, मार्केटिंग टीम का सैलरी, करेक्ट, तो मार्केटिंग टीम सैलरी. देन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बोलो कैन आई से एडवर्टीजमेंट होर्डिंग कुछ लगाया, सो इट कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस होर्डिंग, या फिर डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन. अब ध्यान से समझना, डिलीवरी वैन इज अ पार्ट ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन. वो डिलीवरी वैन का डिस्ट्रीब्यूशन का, आई मीन डिलीवरी वैन का काम है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन. डिलीवरी वैन का जो डेप्रिसिएशन है वो फैक्ट्री या ऑफिस नहीं, सेल्स डिपार्टमेंट को मिलेगा. जब बात सो डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी व्हीकल, समझू? मार्केटिंग टीम का सैलरी है, सैलरी श्रेया, तो सैलरी है अगर, तो सैलरी तो तू इंसान को देती है, तो इंसान मतलब लेबर हुआ. भाई मैंने डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट में डाला ही नहीं है, मैंने डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट में ही रखा है. मैंने कहां लिया है डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट में? मुझे शुभम पूछ रहा है सर मुझे सब क्लियर है, बट आपने डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट में कब क्यों लिया? मैंने डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट में लिया ही नहीं है राजा, मैंने डेप्रिसिएशन को इनडायरेक्ट में ही लिया है. ये देख इधर, इनडायरेक्ट ही है ये मशीन का जो डेप्रिसिएशन है ना, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही है राजा. कमाक्षी का क्वेश्चन है सर, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट किसमें आएगा? सबसे पहले तो लॉजिस्टिक
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आइडेंटिफाई करो, इनडायरेक्ट है ठीक है। अब उसमें इनडायरेक्ट में लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड अगर कोई मटेरियल है ठीक है तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। अब फैक्ट्री ऑफिस एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सो लॉजिस्टिक्स इज यूजुअली फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल में चले जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के। यस यस यस, डेप्रिसिएशन ऑलवेज इनडायरेक्ट। सर आप जो बुक्स भेजते हो उसकी पैकेजिंग, करेक्ट, दैट इज अ सेकेंडरी पैकेजिंग ओनली, वो पैकेजिंग की जरूरत ही नहीं है। मैं तो बुक्स ऐसे भी भेज सकता हूं, बट मैं एक एक्स्ट्रा पैकेजिंग करके भेज रहा हूं, सेकेंडरी पैकेजिंग। नॉट नेसेसरी प्रशस्त। सो क्या होता है कई बार अपन लोग क्या करते हैं पता है क्या, टोटल एक बड़े कार्टन में 10 बुक है वो भी भेज सकते हैं, 10 बड़ा बड़े कार्टन में बड़ा बड़ा कुछ अपन लोग ने भेज दिया। सो इट कैन बी पर यूनिट, इट कैन बी टोटैलिटी, मतलब बहुत सारे कार्टन में कुछ कुछ यूनिट्स भी आते हैं, सो बोथ वेज होता है वो। चलो गाइस डन। सो इधर तक आप लोग को सब समझ में आ गया ठीक है। चलो पैकेजिंग का मैं आपको खाली एक बार आइडिया दे देता हूं, आगे भी काम आएगा तब मैं फिर नहीं समझाऊंगा। पैकेजिंग है ना दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी पैकेजिंग, दूसरा होता है सेकेंडरी पैकेजिंग। एक होता है प्राइमरी पैकेजिंग, दूसरा होता है सेकेंडरी पैकेजिंग। ध्यान से समझना, कोई भी पैकेजिंग जिसकी वजह से, जिसके बिना वो प्रोडक्ट कंप्लीट ही नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी पैकेजिंग। जैसे कि सो पैकेजिंग विदाउट विच द प्रोडक्ट विल बी इनकम्प्लीट, द प्रोडक्ट विल बी इनकम्प्लीट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरा मस्त एग्जाम्पल है भाई, एंड दैट एग्जाम्पल इज टूथपेस्ट। सो जो ये टूथपेस्ट है ना, टूथपेस्ट ये वाला जो पैकेजिंग है ना, इसका ये इसका प्राइमरी पैकेजिंग है, इसके बिना टूथपेस्ट होएगा ही नहीं, वो बाहर थोड़ी ना वो पूरा पेस्ट निकलेगा। तो सेकेंडरी पैकेजिंग क्या हुआ, समझ गए अभी आप लोग? सर कभी कंपनी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को कोई अप्रूवल के लिए गिफ्ट में कुछ दे दे तो वो सब तेरा सेल्स एक्सपेंस में जाता है, इनडायरेक्ट मटेरियल सेल्स एक्सपेंस में जाता है, इधर तेरा आता है। ये देखिए इधर जो तू बोलो ना गिफ्ट फॉर अप्रूवल, वो सब इधर जाएगा तेरा सेकेंडरी पैकेजिंग, तेरा जो गिफ्ट फॉर अप्रूवल है ना, गिफ्ट, फ्री गिफ्ट, वो इधर जाएगा तेरा। क्योंकि तू फ्री गिफ्ट क्यों दे रहा है, ताकि वो और तेरे से प्रोडक्ट ले, तेरे लिए तो वो कॉस्ट है, एक मटेरियल कॉस्ट है वो तेरे लिए, तो बराबर है, तो वो तेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाएगा फ्रीबीज। सेकेंडरी पैकेजिंग एडिशनल पैकेजिंग टू सेल द प्रोडक्ट, एडिशनल पैकेजिंग टू सेल द प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। तो ये जब टूथपेस्ट तो हो गया, बट ये जब टूथपेस्ट अपन ऐसे डब्बे में पैक करते हैं, ये जो बॉक्स है ये है मेरा सेकेंडरी पैकेजिंग। ए समझू, रिया डे, रिया का एक क्वेश्चन है, सर ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, यस ऑफिस एंड एडमिन में जाएगा, बट फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? तो मैंने आप लोगों को बताया था फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, इफ दैट इलेक्ट्रिसिटी इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन ठीक है, तो वो पार्ट आप डायरेक्ट कॉस्ट में डाल सकते हो, बट इतना स्पेसिफिक कोई होता नहीं है, तो इन जनरल उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट में आप ट्रीट कर सकते हो ठीक है ना। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट होते हैं, उसमें आप अपना जजमेंट लेकर ट्रीट करके उसके लिए एक नोट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। 95%
डिवाइड हो जाएगी एक्सपेंसेस 5% के लिए, ठीक है ना, हर चीज डिफाइन नहीं हो सकती है, तो वो 5% के लिए अपना एक जनरल असम्पशन लेके एक नोट लिख देने का, ठीक है। चलो टन टन डन टन, सो इधर तक सब लोगों को सब समझ में आ गया है गाइस। सो गाइस 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 गाइस, अगर मैं आप लोगों के साथ 2 मिनट लेके अभी तक जितना भी हुआ है डिस्कस करता हूं स्टार्टिंग से, चलो मुझे बताओ क्या क्या अपन लोग का हो गया है स्टार्टिंग से। सो आई विल से अपन कर रहे हैं, अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं कॉस्ट शीट। क्यों बनाना पड़ रहा है कॉस्ट शीट? क्योंकि मुझे चाहिए कि चीजें, मुझे चाहिए कि चीजें, खर्चे सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड हो जाए, है मुझे चाहिए उनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो जाए, एंड मुझे चाहिए कि स्टेटमेंट फॉर्मेट में अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है, यस, इजीली अंडरस्टैंडेबल एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में, ओके। अब मैं भी इस कॉस्ट शीट को बनाने जा रहा था, तो हमने इस कॉस्ट शीट को में से कॉस्ट को निकाला और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हो गया डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसको हमने फर्दर सब डिवाइड कर दिया, सो मैं इधर लिख देता हूं भाई, कॉस्ट को फर्दर सब डिवाइड किया हम लोग ने इनटू क्या, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। आप मुझे अब बताएंगे ये डायरेक्ट कॉस्ट हो या इनडायरेक्ट कॉस्ट, तीन एलिमेंट दोनों में कॉमन होते हैं, क्या है वो तीन एलिमेंट? वेरी नाइस यशु, वेरी नाइस यशु। सो यशु जी ने कहा है सर मटेरियल, सर लेबर, मतलब ऐसा तुम लोग के दिमाग में घुसा दूंगा ना कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। अब नींद से भी कोई उठा के पूछे ना, यू शुड बी एबल टू आंसर, इतने अच्छी तरह से करवा लो के शायद 6 महीने बाद 8 महीने बाद भी बुक खुले तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर माय लेक्चर एंड यू विल बी एबल टू राइट डाउन ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू। यस, चलो अब इसी में फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस का प्राइम कॉस्ट जिसको नाम दिया गया, राइट, एंड फिर यहां पे भी हम लोग ने डिवाइड किया क्या, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को नाम दिया गया ओवरहेड्स, बट इस ओवरहेड्स को फर्दर सब डिवाइड किया गया, ठीक है, इस ओवरहेड्स को फर्दर सब डिवाइड किया गया इनटू इनडायरेक्ट, सॉरी ये ओवरहेड, ओवरहेड में क्या क्या चीजें आ गई, ये ओवरहेड में आ गया इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, डन 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 डन। और फिर बाद में ये ओवरहेड्स में आ गए मेरे तीन चीजें, क्या थी वो तीन चीजें, बोलो बोलो टेल टेल, करेक्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिन, एंड लास्टली सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, गॉट इट गाइस। इस फैक्ट्री ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट कहां का, फैक्ट्री का, फैक्ट्री में होने वाला। फिर ऑफिस एंड एडमिन,
इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है, कौन सा ऑफिस में होने वाला? एंड लास्टली इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेल्स डिपार्टमेंट में होने वाला। डन, क्लियर एकदम? वाव गौरव, वाव ऑसम। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल को अगर मुझे आइडेंटिफाई करवाना हो तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करवाऊंगा डायरेक्ट मटेरियल को? एक तो आइडेंटिफाइबल, बराबर है, टच एंड फील, बराबर है। एग्जाम्पल लेना हो तो वुड इन अ वुडन चेयर, वुड इन अ वुडन चेयर। जे बात, क्लियर एकदम? ओके okay. अच्छा, डायरेक्ट लेबर अगर मेरे को हो तो मैन पावर यूज्ड इन प्रोडक्शन, वर्कर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, वर्कर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, सो डायरेक्ट कॉस्ट, नॉट अ डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर इज डायरेक्ट एक्सपेंस। ए समझ गुडू, डन 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 डन। वाह, इधर तक सब कुछ एकदम क्लियर है। सो अब कॉस्ट शीट के लिए जो भी सामग्री थी, जो भी इंग्रेडिएंट्स थे, वो अपने पास रेडी हो गए हैं। नाउ वी विल यूज ऑल ऑफ देम एंड मेक आर डिश कॉल्ड एज कॉस्ट शीट। तुम लोगों ने कभी खाना बनाया? खाना नहीं बनाया ना? आज देखना जाके, मम्मी पापा जो तुम्हारे घर पे खाना बनाते हैं या जो भी तुम्हारे घर पे खाना बनाते हैं ना, उनको देखना। वो लोग क्या करते हैं पता है क्या? पहले जो भी सामान है ना, उसका कटिंग चॉपिंग करके रख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भिंडी बनानी है तो भिंडी को कट कर लिया। सर आपको इतना एक्सपीरियंस कैसे? अरे भाई, शादीशुदा आदमी हूं, खुद बनाना पड़ता है काम, तो एक्सपीरियंस है भाई। तो पहले आपको भिंडी बनानी है, तो भिंडी बनानी तो पहले भिंडी कट करके रख दोगे, ठीक है? फिर बाद में मसाले का जो भी है वो साथ में रख लोगे, फिर और भी कुछ आपको तड़का वड़का डालना है, तेल वेल है, वो सब साथ में रखोगे। तो ये सारी चीजें हो गई है रेडी अपने पास। भिंडी कट के रेडी है, जी हाँ। मसाले वाला दानी रेडी है, ओवरहेड्स, जी हाँ जी हाँ। तेल है, बहुत सारा तेल रेडी है, जी हाँ। अरे नमक निकालो, नमक भी रेडी है, हाँ। अब बनाने वाले हैं अपन लोग, जी हाँ, कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट। क्या आप भी मेरी तरह एक्साइटेड है बनाने के लिए? तो अब तवा तैयार है, जी हाँ। शेफ संकल्प भी तैयार है, और यस। सो अब अपन लोग डालेंगे भिंडी, फिर तेल, फिर नमक स्वाद अनुसार, और बन जाएगी हमारी कॉस्ट शीट की लज्जतदार सब्जी। ऑलराइट गाइस, सो ये मेरा ओवरहेड्स, यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इज कंप्लीटेड। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? क्लियर है इधर तक सब लोग? अरे नहीं, कॉस्ट शीट बनवाऊंगा, भिंडी की सब्जी नहीं बनवाऊंगा, डोंट वरी डोंट वरी। ऑल राइट गाइज, ऑल राइट। सो टिल हियर मेरा ये जो भी कॉस्ट शीट का इतना पार्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, यहां तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। यस यस, यही बना के अपन आईसी है सीए इंस्टीट्यूट को टेस्ट करवाएंगे, और वो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे सीए इंस्टीट्यूट। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, अभी तुम लोगों को कुछ लिखना है या मैं फ्लो में कंटिन्यू करूं? जैसा तुम लोग बोलो वैसा बोलो, बोलो, टेल टेल। सो यस, ये वाला पार्ट आई थिंक फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से तुम लोग का पार्ट बाकी है, या यू हैव रिटन इट दिस पार्ट? चलो 2 मिनट दे रहा हूं मैं, एक बार लिख लो एंड देन वी विल कंटिन्यू। लिख लो, चलो 2 मिनट ले लो, फोटो ले लो या लिख लो, और नोट्स तो तुम लोग के पास रहने ही वाले। चलो ओके।
और यस गाइस, डन है डन है डन है। चलो अब मैं कहानी को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। चलो चलो, सो आई थिंक तैयार है भाई शेफ संकल्प, पूरी तरह से तैयार है भाई लोग, आप लोग चलो सर, हम लोग भी तैयार है। चलो फिर शुभकामनाएं देवी किस बात की। ठीक है, मैं ड्राइव का एक बार तुम लोगों को बता देता हूं कहां पे अपलोड होता है, एंड आई लेट यू नो, मेल या कुछ मिल जाए। चलो ठीक है। अब यहां पे बनाना है अपने को कॉस्ट शीट। जैसा मैंने बोला कि सब इंग्रेडिएंट्स आप लोग के सामने रेडी कर दिया है, ठीक है। अब कौन सा इंग्रेडिएंट किधर लेके कहां पे यूज करना है, दैट वी शुड नो। उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूं, उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूं। अब यूज कैसे करना है, उसका फॉर्मेट क्या बनाना है, वो बताऊंगा मैं आपको। अब कम सो कॉस्ट शीट बनाना है अपने को, ठीक है। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, कॉस्ट शीट कभी भी कोई एक पार्टिकुलर पीरियड के लिए बनता है, से 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, से 1 अप्रैल से 31 मार्च। सो देर इज अ डिफाइंड पीरियड फॉर विच वी आर मेकिंग अ कॉस्ट शीट, फॉर विच वी आर मेकिंग अ कॉस्ट शीट, राइट। सो लेट्स राइट डाउन कॉस्ट शीट। जैसे अपन लोग ने अपने को मम्मी पापा को कॉस्ट शीट बना के देना था, तो अपने को भी पर्टिकुलर ड्यूरेशन का देना था, राइट। एक महीने का क्या, एक दिन का भी बन सकता है, एक घंटे का भी बन सकता है, एक वीक का भी बन सकता है। सो दैट डिपेंड्स, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से ड्यूरेशन का बना रहे हो। सो कॉस्ट शीट विल ऑलवेज बी फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन, ठीक है। दैट इज वीक, मंथ, ईयर एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब कॉस्ट शीट किसके लिए बनता है, प्रोडक्ट के लिए बनता है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनने में कितना कॉस्ट लगा है, सो कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ प्रोडक्ट टू फाइंड आउट इट्स टोटल कॉस्ट, टू फाइंड आउट इट्स टोटल कॉस्ट, सो दैट वी कैन कैलक्यूलेट, सो दैट वी कैन कैलक्यूलेट द प्रोडक्ट्स प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस भाई एंड ऑफ द डे। तो कॉस्ट क्यों निकाल रहे हैं, ताकि अपन लोग उसका प्रॉफिट फाइंड कर सके, वो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस फाइंड कर सके, है के नहीं, है के नहीं, है के नहीं। चल सो
बस ये दो एक चीजें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए कॉस्ट शीट के लिए, सो दैट अब इस बेस से कॉस्ट शीट का अब अपन फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करने वाले हैं, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करने वाले हैं, कॉस्ट शीट फॉर्मेट। सो कॉस्ट शीट क्या होता है? इट इज कॉस्ट शीट ऑफ से मेसर्स एक्स वाई जी कंपनी फॉर 1st अप्रैल टू 30th अप्रैल, 1st अप्रैल टू 30th अप्रैल, ठीक है। सो ये मेरा कॉस्ट शीट बन गया। कॉस्ट शीट ऑफ मेसर्स एक्स वाई जेड फॉर 1st अप्रैल टू 30th अप्रैल। अब इसमें सबसे पहला चीज देखो, कोई भी प्रोडक्ट को बनाना अगर है, कोई भी प्रोडक्ट को अगर बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सोच समझ के थोड़ा बताओ। कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये बुक दिख रही है, ये बुक बनानी है आपको, आपको ये रिमोट दिख रहा है, रिमोट बनाना है, आपको ये बॉटल दिख रही है, बॉटल बनाना है, आपको ये पेन दिख रही है, पेन बनाना है, आपको ये शर्ट दिख रहा है, शर्ट बनाना है, क्या कैसे बनाओगे, किससे स्टार्ट करोगे? बोलो, सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए? श्रेया बोल रही है फैक्ट्री चाहिए, मैं बोला फैक्ट्री भी नहीं है, चल मैं मेरे घर से बनाऊंगा, मैं जहां खड़ा हूं मैं वहां पे बनाऊंगा, चल नहीं चाहिए मुझे फैक्ट्री, जरूरी नहीं है मेरे को फैक्ट्री चाहिए। अब बोल, शुभांकर ने कितने दिल को लगने वाली बात कही है, सर पैसा। ओके बराबर है, बात सही है, पैसा तो है, ठीक है, और क्या? करेक्ट, आप बोल रहे हैं रॉ मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री, मशीनरी। मैं बोलता हूं सबसे पहला आपको चाहिए मटेरियल। देखो, लेबरर काम किस पे करेगा? मटेरियल पे। जब तक मटेरियल नहीं होगा, लेबरर को बुला के कोई फायदा है क्या? नहीं। मशीनरी प्रोसेस किसको करेगी? मशीनरी प्रोसेस किसको करेगी? मटेरियल को। जब तक मटेरियल नहीं है, मशीनरी प्रोसेस किसको करेगी? लेबरर को तो नहीं कर सकती। तो लेबरर भी आ गया, मशीनरी भी आ गया, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया, सब आ गया, फैक्ट्री भी आ गया, पर जब तक रॉ मटेरियल नहीं आएगा ना, तब तक काम चालू नहीं होगा। जैसे ही रॉ मटेरियल आएगा, फिर आप बोलोगे चले लेबर आ जा रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर, मशीन आ जा रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर, फैक्ट्री आ जा चल रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में रखता हूं, समझ रहे हो तुम लोग? सो फर्स्ट चीज इज ऑलवेज 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 रॉ मटेरियल। गौरव एकदम फिलोसॉफिकल हो गया, बोलते हैं सर नॉलेज होना चाहिए आदमी को सबसे पहले, फिलोसॉफी। आइडिया चाहिए, साक्षी बोल रही है, अग्रीड अग्रीड अग्रीड, तुम लोग की भावनाओं में समझ रहा हूं, बट प्रैक्टिकली सबसे पहले आपको चाहिए होता है रॉ मटेरियल। एंड यहां पे मैं भी आप लोग के साथ कॉस्ट शीट फॉर्मेट में सबसे पहला डिस्कशन करने वाला हूं, सबसे पहला डिस्कशन करने वाला हूं डायरेक्ट कॉस्ट का, और डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहला डिस्कशन करने वाला हूं करेक्ट रॉ मटेरियल का। समझे? नहीं, साक्षी और गौरव बोल रहे, अरे अरे सर हम लोग तो भावनाओं में बह गए, सॉरी क्या बोलने का, बराबर है, तुम लोग ने अपना दिमाग लगाया, सही है, गलत नहीं बोला तुम लोगों ने, नॉलेज तो चाहिए। चलो सबसे पहले अपन लोग आ रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल भी नहीं इसको मैं इधर डायरेक्ट मटेरियल लिखता हूं, चलो आ जाओ। डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहला पार्ट है डायरेक्ट मटेरियल। राइट? चलो अब मुझे एक बात बताओ, अब डायरेक्ट मटेरियल के बारे में अपने को कुछ लिखना है। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है वो अपने को पता है, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है वो अपने को पता है कि भाई से फॉर एग्जांपल ये पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक यूज हुआ है, वो सब डायरेक्ट मटेरियल है।
कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल क्या फॉर्म में जाता है पता है क्या आपको? वो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना और आपको बताना है मेरे कॉस्ट शीट में कितना डायरेक्ट मटेरियल जाएगा, ध्यान से सुनना ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल से ऑलरेडी इन स्टॉक था, तो मेरे पास कुछ डायरेक्ट मटेरियल पड़ा था, से ओपनिंग स्टॉक था मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल का कितना पता है, 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स का मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था डायरेक्ट मटेरियल का। मेरे को पेन बनाना था ठीक है, सो से पेन मैन्युफैक्चरिंग अपने का, मेरे को पेन बनाना था तो पेन बनाने के लिए मुझे डायरेक्ट मटेरियल खरीदना पड़ता है, तो मैंने परचेज किया, परचेज ऑफ प्लास्टिक विच इज नथिंग बट माई डायरेक्ट मटीरियल, कितना परचेज किया पता है, मैंने 1000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटीरियल परचेज किया, मैंने 1000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटीरियल परचेज किया ठीक है ओके। और आप लोगों को खाली एक बार बात बता दूं मैं कि मेरा टोटल जो मैं क्या करने वाला था, मैं अराउंड एक पेन बनाने के लिए अराउंड 100 यूनिट्स ऑफ प्लास्टिक का कंजम्पशन होता है, अराउंड 100 यूनिट्स ऑफ प्लास्टिक का कंजम्पशन होता है। अब मेरे पास थोड़ा क्लोजिंग स्टॉक बच गया प्लास्टिक का, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया प्लास्टिक का कितना पता है, मेरे पास बच गया से चलो ये इधर मैं 100 यूनिट्स ले लेता हूं, मेरे पास बच गया 200 यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, 200 यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या लगता है आपको मैंने कितना पेन बनाया होगा, क्या लगता है आपको कितना पेन बनाया होगा, सोच समझ के थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना। देखो एक पेन को यूज होता है 100 प्लास्टिक, तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 100 यूनिट का, तो एक पेन इससे बनता था, प्लस मैंने और 1000 रॉ मटेरियल मंगाया मतलब और इससे 10 पेन बन जाता था, तो टोटल तो 11 पेन बनना चाहिए था, बट 2 पेन का क्लोजिंग स्टॉक बचा है, मतलब कहना इसे 9 यूनिट्स मेरा बना रहेगा। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, अब्दुल 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 दिमाग लगा ये देखिए, कहना इसे मेरा ओपनिंग स्टॉक में एक पेन का था, मैंने और 1000 रॉ मटेरियल मंगाया तो 10 पेन का काम मंगाया, बट उसमें से 2 पेन का मेरा स्टॉक बच गया। अब्दुल कितना बचा, तो कहना इसे 9 पेन्स का मेरा स्टॉक बच गया, 9 पेन्स का मेरा स्टॉक बच गया, बोलो बोलो टेल टेल। भाई मेरे अब्दुल ओपनिंग वाले का भी तो बनाएगा, तेरे पास 100 तो था ही और 1000 तूने खरीदा तो 1100 यूनिट्स हो गए, उसमें से यूज करते गया करते गया करते गया और देखा तो 200 बच गया, तो कहना इसे 900 यूज हो गया, 200 बच गया, तो मैंने पेन कितना बनाया, कहना इसे मेरा 9 पेन्स का प्रोडक्शन हुआ रहेगा, तो 9 पेन्स का प्रोडक्शन के लिए, 9 पेन्स का प्रोडक्शन के लिए भाई, 9 पेन्स का प्रोडक्शन के लिए कितना यूनिट्स यूज हुआ रहेगा, कहना इसे 900 यूनिट्स ऑफ प्लास्टिक यूज हुआ रहेगा। अगर आप लोग नोट करोगे तो ये 900 कैसे आएगा, इट इज बेसिकली माय डायरेक्ट मटेरियल, कितना मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हुआ है, कितना प्लास्टिक मेरा कंज्यूम हुआ है, एंड दैट इज नथिंग बट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और उसमें से कितना मेरा क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास अभी भी बचा है, तो मेरा एक्चुअली प्लास्टिक कितना कंज्यूम हुआ है, 900 यूनिट्स का प्लास्टिक कंज्यूम हुआ है, तो अगर 900 यूनिट्स का प्लास्टिक कंज्यूम हुआ है तो कहना इसे कॉस्ट भी उतने का ही चार्ज होना चाहिए, क्या बोलता है पब्लिक, यस और नो? सो इससे पहला फॉर्मेट आया, इससे पहला फॉर्मेट आया दैट डायरेक्ट मटेरियल है ना, डायरेक्ट मटेरियल, वो डायरेक्ट मटेरियल परचेज नहीं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आना चाहिए, क्योंकि परचेज तो मैंने 1000 किया है बट उतना यूज किया है क्या, नहीं, तो यूज ही नहीं किया है, तो यूज नहीं किया तो उससे मेरा उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो उतना प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है तो मैं उसको चार्ज क्यों करूं,
चार्ज तो उतना ही करूंगा ना जितने का प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन तो 9 पेन का हुआ है, तो 9 पेन का प्रोडक्शन मतलब 900 यूनिट्स ऑफ प्लास्टिक कंज्यूम रहेगा, विच टेल्स मी दैट यहां पे मेरे को डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड लिखना चाहिए कि कितना डायरेक्ट मटेरियल मेरा यूज हुआ है, कितना डायरेक्ट मटेरियल मेरा यूज हुआ है। और वो कैसे अपन लोग कैलकुलेट करते हैं, इट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें जो भी आपने परचेज किया रॉ मटेरियल और इसमें से जो बच गया वो माइनस हो जाएगा, विच इज माई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सो ओपनिंग था, इसमें और परचेजेस एड हुआ, इसमें क्लोजिंग मेरा माइनस हो गया, जो बच गया उसको कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। ए समझ गए बराबर है। सो कैन आई से जो मेरा प्रोडक्शन हुआ है उसके लिए कितना रॉ मटेरियल लगा है वो मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है। सो इसके लिए अपन लिख सकते हैं दिस इज द डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, दिस इज द डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। ए समझ गए। हे बोलो ना समझे क्या, गुड एक्सप्लेनेशन सर। अरे वाह थैंक यू नकुम। ठीक है सो ऑलवेज देखो अगेन आई एम टेलिंग यू, लॉजिकली जाओ, लॉजिकली सोचो कि भाई मेरे पास कुछ तो रॉ मटेरियल पड़ा ही होगा, नहीं पड़ा है तो ठीक है, पर उसमें से मैंने कंज्यूम कितना किया है वो इंपॉर्टेंट है बॉस। ठीक है मैं खरीदूंगा तो कितना भी, बट मेरे कॉस्ट शीट के जो पीरियड है उसके लिए मैंने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है ना, That is what is important for me. चलो डन है गाइस, क्लियर है। अब कुछ इसमें एडिशनल एलिमेंट्स है, आओ वो एडिशनल एलिमेंट्स डिस्कस करता हूं। आओ 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 अब सुनो, क्या तुम लोग ने 11th एंड 12th में NCA फाउंडेशन में अकाउंटेंसी तो किया ही होगा, तुम लोग में से कुछ लोग तो डायरेक्ट एंट्री वाले भी है, तो तुम लोग अगर डायरेक्ट एंट्री वाले हो तो भी तुम लोग ने अकाउंटेंसी तो किया ही है, है क्या नहीं। अब मेरा क्वेश्चन है आप सबके लिए एक चीज के, समझो मेरा एक पास एक क्वेश्चन है, समझो मैंने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा, कौन सा पता है, एयर कंडीशनर, मैंने एयर कंडीशनर खरीदा ऑफ रुपीज 50,000, मैंने एयर कंडीशनर खरीदा ऑफ रुपीज 50,000, ये एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करने के लिए, ये एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करने के लिए मुझे और 5,000 का खर्चा देना पड़ा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ठीक है अब आप मुझ में, खाली आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, खाली इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप मुझे बताओ जब आप आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो तो फिक्स्ड कॉस्ट में, फिक्स्ड एसेट में डेबिट करोगे, एयर कंडीशनर फिक्स्ड एसेट है टू बी यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इस फिक्स्ड एसेट को जो एयर कंडीशनर है उसको आप जब डेबिट करोगे आपको मुझे बताना है दैट व्हाट विल बी द अमाउंट एट विच इट विल बी डेबिटेड, क्या अमाउंट पे आप डेबिट करोगे प्लीज, 50,000 पे एयर कंडीशनर का कॉस्ट। हाँ बोलो बोलो चल चल विवेक बोल रहा है 55,000, कमाक्षी पलक यशु एवरीबॉडी यार एवरीबॉडी इज सेइंग 55, प्रत्यांशी ओहो तुम लोग क्यों 55,000 एसेट क्यों 55,000 से डेबिट हो जाएगा, एफा क्यों, मुझे तो लग भाई एसेट तो 50,000 का ही है ना, ओ भाई एसेट तो 50,000 का ही है ना,
तो एसेट विच इज एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश या क्रेडिटर जो भी है 50,000, यही आना चाहिए ना। क्यों 55,000 लिख रहे हो सब लोग, बोलो बोलो टेल टेल। यू विल से, क्या बोलोगे आप? सर जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है ना वो इसके साथ इंकर हुआ है, वो भी कैपिटलाइज हो जाता है, वो भी कैपिटलाइज हो जाता है। सही बोल रहा हूं क्या मैं? आई मीन सही बोल रहे हो क्या तुम लोग? यस सर, यही हमारा थॉट प्रोसेस है सर। सर किसी भी एसेट को रेडी टू यूज करने का एक्सपेंस ऐड करते हैं एसेट की कॉस्ट में। क्या बात है, क्या बात है सर। इनिशियल कॉस्ट इज कैपिटलाइज। क्या बात है यार, तुम लोग तो मतलब एकदम चैंपियन लोग है। तो अब मैं इधर आप लोग को और एक चीज बोलना चाहता हूं, अब मैं इधर और एक चीज बोलना चाहता हूं। जब मैं ये रॉ मटेरियल ऑर्डर करता हूं तो रॉ मटेरियल कहां से ऊपर से गिरता है या कोई सप्लायर भेजता होगा? बोलो, सप्लायर भेजता होगा। तो मैं जब रॉ मटेरियल ऑर्डर करता हूं तो सप्लायर रॉ मटेरियल को मेरे फैक्ट्री में भेजता है। वो जब फैक्ट्री में भेजता है ना तो उसके लिए कुछ कैरिएज इनवर्ड का खर्चा होता है। तो जब मैं इधर लिखता हूं ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैन आई से ये रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक पहुंचे इसके लिए ये कैरिएज इनवर्ड का खर्चा हुआ है? कैन आई से ये कैरिएज इनवर्ड विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ माय डायरेक्ट मटेरियल? जैसा लॉजिक तुम लोग ने यहां पे लगाया है एग्जैक्टली वही लॉजिक यहाँ पे आएगा। कैरियेज इनवर्ड का मतलब होता है जब सप्लायर आपको आपके फैक्ट्री के लिए कुछ भेज रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कैरियेज इनवर्ड। जब आपके फैक्ट्री में रॉ मटेरियल इंटरनली आ रहा है, कैरियेज इनवर्ड। समझे? तो कहना इसे ये भी ऐड होगा डायरेक्ट मटेरियल में। बोलो बोलो चल चल। जैसा तुम लोग ने यहाँ पे किया तो देखो मेरे को ये ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुमने ही बता दिया सर ऐसा ऐसा होगा, तुमने ही बता दिया। करेक्ट, बिकॉज इट इज नीडेड टू गेट द रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री एंड यूज इट, इट इज एज गुड एज दैट। भाई एसेट को यूजेबल बनाने के लिए कोई खर्चा इंकर कर रहे हैं तो वो एसेट के साथ कॉस्ट में ऐड हो जाता है। वैसे ही रॉ मटेरियल को यूजेबल बनाने के लिए कोई खर्चा कर रहे हैं। ए समझियो एवरीबॉडी। सो कैरियज इनवर्ट एड हो जाएगा इसमें। कैरियज इनवर्ट इज लाइक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू ब्रिंग रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू ब्रिंग रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री। ए बोलो ना, समझे क्या? हाँ या ना? लॉजिकली सब समझ रहे हो? ठीक है, डन डन डन। एंड अब मेरा नेक्स्ट पार्ट, अब मेरा नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, अब मेरे नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। एक सेकेंड, इधर तक कोई किसी को डाउट? यस सो डन है गाइस। डन 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 डन। सो मेरा चल, सो आई थिंक ओपनिंग स्टॉक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, उस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में कैरियज इनवर्ड भी ऐड होगा। ओके, और एक चीज है, और एक चीज है जो आप लोग के तरफ से ही मैं बताना चाहता हूं। अब सुनो, देखो बात कुछ ऐसी हो गई कि हमारा जो सप्लायर है उसने रॉ मटेरियल भेजा, 1,000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल भेजा, बट जब वो मेरे फैक्ट्री में पहुंचा तो मैंने देखा कि उसमें से 50 यूनिट्स स्पॉइल हो चुके थे। ओह गॉश,
50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स स्पॉइल हो चुके थे। अब ये 50 यूनिट्स को मैं यूज तो नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया पता है क्या, ये 50 यूनिट जो स्पॉइल हो गए हैं, ये 50 यूनिट जो स्पॉइल हो गए हैं उसको मैंने सेल कर दिया। कितने में पता है? एट द रेट रुपीज 15 पर यूनिट। और इससे मुझे 50 × 15 कितना रुपया मिल गया? ₹750 मुझे मिल गया। अब बोलो मैं इसका क्या करूं? 1000 रुपए मंगवाए, ठीक है, उसमें से 50 खराब हो गए। अब वो 50 खराब हो गए तो उसको प्रोडक्शन के लिए तो यूज नहीं कर सकता, तो प्रोडक्शन के लिए तो यूज नहीं कर, ठीक है, समझी बात। बट अब उसका मैं करूं क्या, तो उसको मैंने भंगार में बेच दिया। भंगार में होता है ना, भंगार में बेच दिया, रद्दी वाले को बेच दिया, 15 रुपए उसने दिया एक का, 750 रुपीज मैंने रिकवर कर लिया। बोलो क्या करना चाहिए अब इसका? करेक्ट, कैन आई से दिस इज लाइक माई एक एक सेल ऑफ स्क्रैप के जैसा है ये? भाई ये स्क्रैप हो गया, स्पॉइल हो गया, मतलब ये स्क्रैप हो गया, ये क्या हो गया, स्क्रैप हो गया, और इसको सेल करना पड़ा, राइट। बट कैन आई से ये मेरा इनकम है, कैन आई से ये मेरा इनकम है, तो ये क्या हो जाएगा पता है क्या, लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम जयपाल, लेस फ्रॉम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम जयपाल। क्या अब मुझे कोई पूरा का पूरा नया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मेट बना के दे सकता है क्या, जिस हिसाब से अपन लोग ने कुछ चीजें लेस की, कुछ चीजें ऐड की, जो भी हुआ, अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं, क्या कोई मुझे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का प्रॉपर फॉर्मेट बना के दे सकता है क्या? मैं वेट कर रहा हूं, कॉस्ट शीट बना रहा हूं मैं, कॉस्ट शीट में सबसे पहले बनता है डायरेक्ट कॉस्ट। इस डायरेक्ट कॉस्ट का जो पहला एलिमेंट है दैट इज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, आप बताओ क्या होगा इसका फॉर्मेट, तुम लोगों को बताना है, आई एम वेटिंग फॉर ईच वन ऑफ यू टू आंसर। बोलो चलो, वेरी गुड अब्दुल, यशु, सुयश, पलक, एवरीबडी इज आंसरिंग। एंड आंसरिंग करेक्टली ऑल्सो, वेरी गुड। आप लोग YouTube पे देख रहे हो, कमेंट पे एक आंसर करो यार, उसमें क्या हो गया, कमेंट बॉक्स इसी के लिए तो दिया है। हाँ साक्षी, भूल गई तू एक चीज, साक्षी तेरा इनकम्प्लीट है, करेक्ट, द फॉर्मेट विल बी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अपने को मिल जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। ये अब तक अपने को लगता था, बट फिर हमने दो नई चीजें पढ़ी, एड कैरिएज इनवर्ड्स और लेस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। समझे क्या, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल लिखना जरूरी है, क्योंकि आगे और एक सेल ऑफ स्क्रैप आएगा, वो WIP का होगा, तो ये रॉ मटेरियल का इधर जाता है। अगर मैं इधर प्रेजेंट करता हूं तो इट विल बी
ओपनिंग स्टॉक एड एड लेस लेस ए समझ गए कॉपी करो बाबा छापो रे इधर तक सब लोग एकदम क्लियर है किसी को कोई भी शक कोई भी डाउट कोई नींद से भी उठा के पूछेगा तो जवाब दे दोगे ना बच्चों पक्का ठीक है डन है डन सो कॉस्ट शीट का सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है कॉस्ट शीट का सबसे पहला एलिमेंट होता है डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है डायरेक्ट मटेरियल बट अपन डायरेक्ट मटेरियल वर्ड ना यूज करके वी विल यूज द वर्ड डायरेक्ट मटेरियल कंस्यूम्ड डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम गॉट इट चलो डन नेक्स्ट नेक्स्ट के ऊपर आते हैं नेक्स्ट के ऊपर आते हैं नेक्स्ट है मेरा नेक्स्ट क्या है ये देखो डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम तो हो गया अब नेक्स्ट क्या है हाँ हाँ बोलो बोलो चल चल दो दो तीन एलिमेंट है पहला मटेरियल का एलिमेंट तो हो गया दूसरा एलिमेंट लेबर तो इट विल बी डायरेक्ट लेबर इट विल बी डायरेक्ट लेबर एब्सोल्युटली करेक्ट करेक्ट सो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सो सिंपल है भाई एक पेन को बनाने के लिए 1000 रुपए तो 10 पेन को बनाने के लिए 10,000 रुपए का वेजेस इंकर होगा अब ध्यान रखना ये वेजेस जब अपन लोग देते हैं तो इसके साथ उसका पीएफ होता है उसका इंश्योरेंस होता है ये सारी चीजें ऐड हो जाती है ठीक है और डायरेक्ट लेबर क्या है कॉस्ट इंकर्ड जब अपन लोग कोई भी लेबर से रिलेटेड कॉस्ट इंकर्ड होते हैं फॉर द वर्कर वर्किंग इन द फैक्ट्री डायरेक्टली मेकिंग द प्रोडक्ट ठीक है सो वेजेस पेड टू वर्कर वर्किंग इन द फैक्ट्री एंड डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेकिंग द प्रोडक्ट इन मेकिंग द प्रोडक्ट ए समझू डन डन ठीक है चलो सिंपल है ये तो इजीली डन इसी के साथ आता है थर्ड बिचारा बच्चा कुचा डायरेक्ट एक्सपेंस इसके लिए कोच नहीं है ठीक है ठीक है सो अब यहां पे इन शॉर्ट कॉस्ट शीट का मेरा फॉर्मेट रेडी होने जा रहा है उसका एक पार्ट हो चुका है एंड दैट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट कॉस्ट इस डायरेक्ट कॉस्ट में तीन पार्ट है पहला है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम जो अपने को पता है क्या है दूसरा है डायरेक्ट लेबर तीसरा है क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस एक जगह जब जमा हो तीनों डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस तो क्या बन जाता है
इट इज प्राइम कॉस्ट, इट इज प्राइम कॉस्ट। डन, फर्स्ट पड़ाव कंप्लीट। कैन आई से लॉजिकली, एक एक वर्ड, एक एक वर्ड जो मैंने बोला है तुम लोग के ऐसे खून में बस गया है, वो डीएनए में बस गया है तुम्हारे। डन, बस यही चाहिए। डन, अब कहानी को आगे बढ़ाओ, कहानी को आगे बढ़ाओ। आप सुनना चाहेंगे, आप सुनना चाहेंगे? मैं कह रहा हूं हम कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, आप सुनना चाहेंगे हमारी कहानी को? जरूर। ओके, तो हम अब अगले पड़ाव पे जाने वाले हैं, एंड वो अगला पड़ाव है हमारा डायरेक्ट कॉस्ट के बाद क्या आता है, बोलिए बोलिए। यस, एंड दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, और उसमें मेरा सबसे पहला आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होता है मैं समझा चुका हूं, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होता है मैं समझा चुका हूं, बस आगे नहीं। यस और नो? यस। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होता है, दैट डेफिनेटली आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। क्या होता है बोलो बोलो? इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस incurred in the factory, incurred in the factory, है कि नहीं? जैसे कि, जैसे कि, जैसे कि फैक्ट्री रेंट हो गया, यस वो भी इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद मशीन से रिलेटेड कुछ रिपेयर्स हो गया, तो मशीन रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। फिर टूल्स एंड स्पेयर्स कुछ पड़े हो, वो भी इधर आ जाएंगे, राइट? चलो, कई बार आप कभी देखो क्या होता है पता है क्या, रॉ मटेरियल आ गया है फैक्ट्री में, ठीक है? अब सारा रॉ मटेरियल तो प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होगा, तो ये जो रॉ मटेरियल है ना, पता है कहां पे जाता है? ये जाता है स्टोर्स में। फैक्ट्री में एक स्टोर्स होता है, स्टोर्स में सारा का सारा रॉ मटेरियल जाता है। तो वो स्टोर्स में जो पड़ा है रॉ मटेरियल, उसको मैनेज करने के लिए भी तो एक मैनेजर चाहिए। कौन है वो मैनेजर? स्टोर मैनेजर। तो स्टोर मैनेजर का सैलरी समझे क्या, समझे कि नहीं? स्टोर मैनेजर सैलरी। ये स्टोर क्या होता है, स्टोर क्या होता है, स्टोर का मतलब क्या होता है, बोलो बोलो चलते भाई। रॉ मटेरियल सप्लायर के पास से, सप्लायर के पास से आता है फैक्ट्री में। फैक्ट्री में आके अपन उसको कहां पे रखते हैं? स्टोर्स में। ये रॉ मटेरियल किधर रहता है? स्टोर्स में। सो ये है मेरा फैक्ट्री, ये है मेरा फैक्ट्री, फैक्ट्री में ये है मेरा स्टोर्स, स्टोर्स में मेरी सब चीजें पड़ी हुई है, रॉ मटेरियल मेरा इधर पड़ा हुआ है। बट इसको मैनेज करने के लिए एक स्टोर मैनेजर लगेगा ना बेटा। ये स्टोर मैनेजर कौन सा कॉस्ट है, ये स्टोर मैनेजर का जो कॉस्ट है, जो सैलरी है, वो कहां पे जाएगा पुष्पा? वो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। समझ में आया गाइस? कच्चा है? यस गाइस, समझ में आया इतना? सब लोग मेरे साथ हो?
क्लोजिंग स्टॉक कहां पड़ा होता है? स्टोर्स में. क्लोजिंग स्टॉक कहां पड़ा रहेगा भाई? चलो इधर तक डन है क्या गाइस? समझ में आया? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? डन 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 डन. तो सुनो, तो सुनो, अभी भी स्टोरी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं. तो क्या हुआ पता है क्या? अब देखो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना रहा हूं मैं. इस फॉर्मेट में पहले हमने फोकस किया है डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर, जिसको प्यार से प्राइम कॉस्ट भी कहा गया है आगे. सो ये मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारा मिला के प्राइम कॉस्ट बन गया 1 + 2 + 3. डन डन. अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, इनडायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट में पहला क्या आया? फैक्ट्री ओवरहेड. तो ये प्राइम ओ प्राइम, इसको मैं, ये तो मेरा आ ही गया. अब इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड हो जाएगा. ठीक है, सो इट इज लाइक के भाई प्राइम कॉस्ट तो जो है वो तो है ही, अब उसमें ये चीज ऐड हो जाएगी. चलो इसको इधर लिखता हूं मैं, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड. तो जो भी मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स थे भाई, फैक्ट्री रेंट और मशीन डेप्रिसिएशन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें मेरी ऐड हो गई. ये सारी चीजें मेरी ऐड हो गई. ये जब मेरा फैक्ट्री ओवरहेड इसमें ऐड हो जाता है, याद रखना फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री में होने वाला इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सब आ गया इसमें. तो ये जब मेरा ऐड हो जाता है, ये सब ऐड होके बनता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. क्या बनता है ये मेरा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. तो अगर मैं इधर कॉस्ट शीट वापस से बनाता हूं, सब कितनी बार बनाओगे, अरे मजा आता है यार बनाने में. तो मैंने इधर लिखा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मिलके बन जाता है प्राइम कॉस्ट. इस प्राइम कॉस्ट में मैं ऐड करता हूं फैक्ट्री ओवरहेड्स, इस प्राइम कॉस्ट में मैं ऐड करता हूं फैक्ट्री ओवरहेड्स. ये फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड हो जाता है तो बन जाता है मेरा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, बन जाता है मेरा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. ए समझू? डन गाइस. अब ध्यान से सुनना, अब आ रहा है मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट. सुनो, अब देखो ये जो मेरा रॉ मटेरियल है, ये जो मेरा रॉ मटेरियल है, इसको मैंने मंगवाया, इसको मैंने मंगवाया. ठीक है, ये रॉ मटेरियल को मैं यूज कर रहा हूं. से फॉर एग्जांपल मैंने प्लास्टिक मंगाया ये पेन बनाने के लिए, या से मेरे कैलकुलेटर बनाने के लिए मैंने प्लास्टिक मंगाया. ठीक है, अब मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूं मंथली, मंथली कॉस्ट शीट बना रहा हूं से फर्स्ट अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल का मेरा ये कॉस्ट शीट है. फर्स्ट अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल का ये मेरा कॉस्ट शीट मैं बना रहा हूं. मैंने मंगाया प्लास्टिक, ठीक है, मैंने कैलकुलेटर बनाना चालू किया, मैंने 100 प्लास्टिक मंगाया, 100 किलो प्लास्टिक, 100 किलो प्लास्टिक में 100 कैलकुलेटर बनेगा. मैंने 85 कैलकुलेटर बना भी दिया, 85 कैलकुलेटर बना भी दिया, बट 15 कैलकुलेटर जो है ना, वो 15 कैलकुलेटर मैंने आधा अधूरा बनाया हुआ है, कंप्लीट भी नहीं हुआ है, पर पूरी तरह से रॉ मटेरियल की तरह भी नहीं है.
थोड़ा मेरा बन गया है, मतलब आधा पार्ट बन गया है, थोड़ा बटन्स लग गया है, थोड़ा मेरा मोल्डिंग हो गया है, थोड़ा सा इधर ये वाला पार्ट हो गया है, ऐसे 15 मेरे पास रॉ मटेरियल पड़े हैं। अब उसका मैं क्या करूं, उसको मैं कुछ छोड़ दूं उसको ऐसे ही, या उसको भी मेरे को वैल्यू तो देना पड़ेगा, उसका भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू है ना भाई। ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में आया था तो ठीक था, बट ये रॉ मटेरियल के ऊपर लेबरर ने काम किया है, फैक्ट्री के सुपरवाइजर ने थोड़ा अपना एफर्ट डाला है, मशीनरी इसके ऊपर थोड़ा यूज हुआ है, तो ये सब भी तो मेरा यूज हुआ है, तो ना ये पूरा रॉ मटेरियल है ना ये पूरी तरह से फिनिश गुड बना है। सच काइंड ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड एज वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस, जो मेरे फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आता है, क्योंकि अब रॉ मटेरियल के बाद इनके ऊपर थोड़ा काम हो गया है, पूरा काम हो गया तो फिनिश ही हो गए होते, पर पूरा नहीं, थोड़ा काम हो गया है, तो थोड़ा काम हो गया है, कितना काम, फैक्ट्री ओवरहेड्स रिलेटेड जितना काम हो गया है, तो यहां पे ये हो जाता है मेरा वर्क इन प्रोग्रेस, और ये मेरे फैक्ट्री कॉस्ट में एड लेस हो जाएगा। सो एड ओपनिंग WIP एंड लेस क्लोजिंग WIP, एंड ये मिला के बनता है भाई कुछ ओपनिंग WIP होगा जो पहले का बना है, अब ये बार कुछ क्लोजिंग बच गया है, बराबर है, तो वो दोनों एडलेस होके मेरा मिल जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड एज फैक्ट्री नेट, ये देखो ये जो था ना, ये ग्रॉस फैक्ट्री था ना, दिस विल बिकम नेट फैक्ट्री कॉस्ट, इसको प्यार से नेट वर्क्स कॉस्ट भी कहते हैं। समझ में आया क्या तुम लोग को गाइस? ए समझ, डन। सो अगर 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 मैं इधर लिखता हूं, अगर मैं विद योर परमिशन इधर लिखता हूं, से प्राइम कॉस्ट को मैं लिखता हूं ए, फैक्ट्री ओवरहेड्स को मैं लिखता हूं बी, इसको लिखता हूं सी, इसको लिखता हूं डी, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट क्या हो जाएगा मेरा? इट विल बिकम ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। डन गाइस, समझ में आ रहा है? डन डन डन। चल तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक मुझे समझ में आ गया है भाई, नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक मुझे समझ में आ गया है। सो इधर मैं लिख देता हूं नेट फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको प्यार से बोला गया है नेटवर्क्स कॉस्ट। चलो डन, अब ध्यान से आगे का सुनना, नेट फैक्ट्री कॉस्ट नेट वर्क्स कॉस्ट इधर तक आप लोग को समझ में आ गया है राइट। अब मैं कुछ चीजें ऐड करने वाला हूं जो कि स्पेसिफिक एडिशंस हुए हैं इन द लास्ट फ्यू इयर्स। मैं आपको फ्रेंकली बोलूं, जब मैंने मेरा CA इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया था और कॉस्ट शीट पढ़ा था, तब हमारे को फॉर्मेट थोड़ा अलग था, वो क्या था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कुछ दिनों बाद, क्योंकि अभी वरना अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अभी फिलहाल जो रेलेवेंट
प्रीवेलेंट फॉर्मेट है वो आप लोग को बता रहा हूं, और उस प्रीवेलेंट फॉर्मेट में उन्होंने बोला वी विल एड स्पेसिफिक एडिशंस। ये लेवल पे उन्होंने बोला है कुछ स्पेसिफिक एडिशंस है जो हम लोग ऐड करना चाहते हैं यहां पे। जो मैंने जब कॉशिट पढ़ा था ना तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। अब नहीं ये चीज ऐड हुई है, एंड क्या है वो, उसका शॉर्ट फॉर्म आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा। इट इज कॉल्ड एज QRACP। जी हाँ, इट इज कॉल्ड एज QRACP। आप जानना चाहेंगे क्या है ये QRACP? चलो बता दो। सबसे पहला है क्यू। क्यू रिलेट्स टू क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। यू हर्ड दैट राइट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। तो पहला लिख रहा हूं मैं, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। ए समझ गए? तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट मतलब क्या होता है मालूम है? तुम लोग ने अगर कभी कोई चीज खरीदी होगी तो ISO सर्टिफाइड होता है, हॉलमार्किंग होता है, वो सब क्या बताता है? ISO सर्टिफिकेशन क्या बताता है मुझे जरा बताओ? इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या बताता है? वो बताता है दैट यस इसका क्वालिटी इज गुड, इसीलिए इसके ऊपर ISO सर्टिफिकेशन है। तो वो करवाने के लिए जो भी मैं खर्चा कर रहा हूं, क्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए जो भी मैं खर्चा कर रहा हूं, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? राइट। सो कॉस्ट इंकर्ड टू मेंटेन एंड अपग्रेड क्वालिटी इज कॉल्ड एज QC क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। एग्जाम्पल ISO सर्टिफिकेशन फॉर गुड्स। तुम लोग ने गोल्ड के लिए सुना है? गोल्ड के लिए सुना है हॉलमार्किंग होता है, गोल्ड हॉलमार्किंग। पेरेंट्स को पूछना, उससे पता चलता है कि ये जेन्युइन गोल्ड है। सो हॉलमार्किंग फॉर गोल्ड। समझे? डन डन। सेकेंड सेकेंड है आर। नेक्स्ट क्यू के बाद आर। आर का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ये सब स्पेसिफिक एडिशंस है, स्पेसिफिकली ये लोग को इंक्लूड किया है इस फॉर्मेट में। सेकंड है आर। आर इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अब देखो ये क्या खर्चा होता है, आप मुझे बताओ अभी आईफोन का कौन सा आईफोन चल रहा है? समझो आईफोन 16 चल रहा है फॉर एग्जाम्पल। अब आईफोन 16 के बाद क्या एप्पल और कोई अपग्रेडेड आईफोन लाएगा कि नहीं लाएगा? लाएगा। 16 के बाद कौन सा लेकर आएगा? 17 लेकर आएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वो 16 से 17 क्या ऊपर से गिरेगा या फिर उसके लिए आपको कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा? कैमरा इंक्रीज बेटर क्वालिटी का, अंदर का प्रोसेसर बेटर क्वालिटी का, राइट? तो वो सब खर्चा वो सब करना पड़ेगा ना आपको, तो उसको बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब कोई प्रोडक्ट को अपग्रेड करने के लिए आप खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। समझ गए? डन। सो कॉस्ट्स इंकर्ड
टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, यस समझ में। प्राइस इंक्रीज भी है, तो भाई कॉस्ट खर्चा हो रहा है तो मेरा खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो सेल प्राइस तो बढ़ेगा ही ना यार, अरे सो कॉस्ट इंकर्ड टू इंप्रूव प्रोडक्ट लाइक न्यू वर्जन्स ऑफ मोबाइल इज डन थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल आईफोन 10 टू आईफोन 11, इस बीच में क्या हुआ, R&D कॉस्ट इनकर हुआ, समझे, डन। चलो R के बाद A, A बहुत ही सिंपल है, A स्टैंड्स फॉर A, एडमिन ओवरहेड्स बट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, बाकी वो ऑफिस एंड एडमिन वाला अलग है, ये एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला, मतलब फैक्ट्री में अगर कोई एडमिन का काम हो रहा है, जैसे कई बार फैक्ट्री में भी वो लोग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यूज करते हैं, कई बार फैक्ट्री में भी सुपरवाइजर होता है, कई बार फैक्ट्री में भी से फॉर एग्जाम्पल कोई एडमिन स्टाफ हो जाता है यूज, वो सब क्या है, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सो एडमिन कॉस्ट इनकर्ड इन अ फैक्ट्री, एडमिन ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, बट याद रख के इधर लिखना है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है। एडमिन ओवरहेड्स इंकर्ड इन अ फैक्ट्री, इंकर्ड इन अ फैक्ट्री, एग्जाम्पल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इन अ फैक्ट्री, डन, ठीक है। क्यू आर ए, अब इसके बाद आता है सी, सी में है ना माइनस होता है, माइनस प्लस नहीं होता है, माइनस होता है, आओ 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 आओ, चलो चलो चलो, फोकस फोकस एवरीबॉडी, सी सी के ऊपर आ रहे हैं, सी इज क्रेडिट, क्रेडिट फॉर रिकवरीज स्क्रैप, स्क्रैप किसका, ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, स्क्रैप क्रेडिट फॉर बाय प्रोडक्ट्स, या कोई मिसलेनियस इनकम मिल गया, सो ध्यान रखना, देखो वंस द प्रोसेसिंग स्टार्ट, एक बार प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया रॉ मटेरियल का, तो अब क्या हुआ, देखो रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल एकदम अच्छा आया, उसको मैंने मेरे मशीनरी में डाला, मशीनरी में से वो प्रोसेसिंग में थोड़ा टूट गया, तो अब रॉ मटेरियल की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रॉ मटेरियल तो अच्छा आया था, प्रोसेसिंग के बाद थोड़ा वो खराब हो गया, अब खराब हो गया तो मैं इसको कस्टमर को तो बेच नहीं सकता, बट थोड़ा खराब है तो मैं भंगार वाले को दे सकता हूं, वो जो भंगार वाले को मैं दूंगा और उससे जो पैसा आएगा वो इधर जाएगा, रॉ मटेरियल ही खराब आया, रॉ मटेरियल ही खराब आया तो वो किधर जाएगा, इधर जाएगा, समझे क्या, गॉट इट, गॉट इट, पैसा, डन। सो इधर मैं लिख सकता हूं WIP प्रोडक्ट spoiled and income received on that,
इनकम रिसीव्ड ऑन दैट, बट ध्यान रखना ये क्रेडिट है, मतलब माइनस हो रहा है. एंड लास्ट लास्ट वाला मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं. एंड दैट इज पी, वो लोग बोलते हैं यहां पे प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट यहां पे आएगा. क्या होता है प्राइमरी पैकेजिंग? टूथपेस्ट का जो मेन वो जो प्लास्टिक है वो प्राइमरी पैकेजिंग है, जो बाहर का कवर है वो सेकेंडरी पैकेजिंग है. यस गाइस, अरे बोलो बोलो, टेल टेल. सो इधर मैं लिख दू पैकिंग एसेंशियल फॉर द प्रोडक्ट टू बी यूजेबल, पैकिंग एसेंशियल फॉर द प्रोडक्ट टू बी यूजेबल. ओके, तो ये सब एड होने के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये सब एड होने के बाद बनता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट. उसमें ये QRACP का तड़का जब लग जाता है तो वो बन जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यस लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जी हाँ, यस. सो देखो इधर अपना ई आया था, ई ये देखो ये क्या था, दिस इज ई, ये ई ठीक है. ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू ई. ई में ये बन जाता है F. F is equal to A plus B plus C minus D plus Q R A C minus P is equal to F. समझे क्या? Got it, guys? इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और अब अपन लोग आ रहे हैं अपने आखिरी पड़ाव पे, गाइस लास्ट स्टेज. एंड अपना कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आज ऑलमोस्ट जस्ट सेकेंड लेक्चर ऑफ कॉस्ट शीट में रेडी हो जाएगा. यू गाइस आर कमेंडेबल, इतना अच्छा तुम लोग रिस्पॉन्स दे रहे हो, इसी के लिए ये इतना फटाफट बन पा रहा है. एंड कल जब अपन लोग इसको रिवाइज करेंगे ना, तुम्हारे दिलो दिमाग रग रग में मैं लॉजिकली घुसा दूंगा, ये मेरा वादा. चलो आओ, अब मुझे फ्लो में जाने दो एंड देन विल बी डन. ठीक है ना, याद रखना ये क्रेडिट, याद रखना ये माइनस होगा, ये माइनस होगा. सो WIP प्रोडक्ट स्पॉइल्ड एंड इनकम रिसीव ऑन दैट. बाय प्रोडक्ट क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, एक पूरा चैप्टर ही है. जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट. बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, से फॉर एग्जांपल शुगर है, शुगर केन, मतलब जब शुगर केन को प्रोसेस करते हैं शुगर बनाने के लिए, तो अपन शुगर केन को प्रोसेस कर रहे हैं शुगर बनाने के लिए, बट मजाक मस्ती में एक और प्रोडक्ट बन जाता है मोलेसिस, जिसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट. अब अपने को वो मोलेसिस जो बाय प्रोडक्ट है चाहिए नहीं, तो अब अपन लोग उसको जब बेचने को जाएंगे That basically is called as sale of by-product, वो भी इधर माइनस हो जाएगा. तो शुगर के प्रोडक्शन के टाइम पे कॉस्ट शीट बनेगा, तो जो मोलेसिस से इनकम आया है वो इधर माइनस हो जाएगा. समझे क्या? समझे क्या? सो देखो इधर मैं बता दूं, समझो बाय प्रोडक्ट क्या होता है. Incidental production of a goods, incidental production of a commodity or goods.
उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट. सो शुगर केन प्रोसेस मशीन शुगर आउटपुट, बट साथ में बन जाता है मोलासेस, इसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट. सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट क्यू आर एसीपी में माइनस होगा. सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट सी, ठीक है. चलो बाकी के पैकेजिंग का, प्राइमरी पैकेजिंग सेकेंडरी पैकेजिंग मैंने बताया भाई आप लोगों को. अब आ जाते हैं इसके लास्ट एस्पेक्ट के ऊपर. अपन लोग है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे. गाइस 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 अपन लोग है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर. सो एफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओपी कहते हैं इसको, सीओपी कहते हैं इसको. जी हां, इधर अपन लोग आ चुके हैं. अब सुनो क्या होने वाला है. अब सुनो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मैं क्या करने वाला हूं. यस, इसमें ऐड होते हैं. अब सुनो मेरा डब्ल्यू आई पी तक मैं पहुंच गया हूं. WIP में जब ये QRACP वाली चीजें ऐड हो जाएगी तो फाइनली मेरा प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा. प्रोडक्शन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है फिर इसमें मैं देख लेता हूं भाई कितने मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है एंड कितना मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है. एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड ये जो बचता है इसको अपन लोग कहेंगे. चलो इसको इधर मैं डाल देता हूं जी. जी एच बन जाता है आई. आई क्या है पता है, एफ प्लस जी माइनस एच एंड दिस बेसिकली इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यस. एंड इसमें लास्ट चीज जो ऐड करते हैं, देखो थोड़ा अभी भारी लगेगा, कल तक देखना तुम लोग के एकदम टिप ऑफ द टंग पे हो जाएगा. यस और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में देखो क्या हुआ. WIP बना, WIP में QRACP अपन लोग ने एड लेस किया. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हो गया है. अब प्रोडक्शन हो गया है तो कितना ओपनिंग स्टॉक पड़ा है एड कर लो, कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है. जो क्लोजिंग स्टॉक है वो निकल जाएगा. क्यों निकल जाएगा, क्योंकि वो ये बार का है ही नहीं, वो नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे. बट लास्ट ईयर का जो ओपनिंग स्टॉक है वो मैं ये बार यूज करूंगा. लास्ट ईयर का, लास्ट पीरियड का जो मेरा WIP है, ओपनिंग WIP, वो मैं ये बार यूज करूंगा. इसके लिए ऐड करते हैं. आप पूछ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे क्यों इसको ऐड किया, क्यों इसको लेस किया, क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग WIP ये बार का ओपनिंग WIP बनेगा और लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग WIP है वो ये बार मैं यूज करूंगा. एंड क्लोजिंग WIP लेस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वो ये पीरियड का है ही नहीं, बस वो मैं नेक्स्ट ईयर में यूज करने वाला हूं, तो ये पीरियड में यूज नहीं करने वाला, तो इधर मैं माइनस कर दूंगा. समझे क्या. सेम इज द कॉस्ट केस विद ओपनिंग एफ जी एंड क्लोजिंग एफ जी. लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ये बार ओपनिंग स्टॉक बनेगा. ये बार का ओपनिंग स्टॉक मैं मेरे प्रोडक्शन के लिए यूज करूंगा. बट अब जो क्लोजिंग बचा है वो तो मैं ये बार यूज ही नहीं करने वाला, वो तो नेक्स्ट पीरियड के लिए, तो यहां से तो मैं बाहर निकाल दू ना, मैं तो ये मेरे पीरियड के लिए ही नहीं ये वाला क्लोजिंग स्टॉक. समझ गए. एंड लास्ट अपन लोग ऐड करने वाले हैं आई में, दैट इज एड एडमिन ओवरहेड्स विच इज जनरल एंड ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स. जनरल एंड ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करने वाला हूं मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. सो मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये सारे कॉस्ट इधर आएंगे. डिलीवरी व्हीकल
ये सारे कॉस्ट यहां पे आएंगे. सो जी एच आई जे के एंड अपने को जो मिलने वाला है विल बी कॉल्ड एज एल विच इज आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू एल. इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स. इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स. इसमें मैं जब प्रॉफिट ऐड कर दूंगा मेरा कॉस्ट शीट कंप्लीट हो जाएगा एंड इट विल बी कॉल्ड एज सेल्स. सो एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ ऐड बन गया कॉस्ट ऑफ सेल्स. इसमें प्रॉफिट ऐड किया बन गया सेल्स. सर वाह ठीक है सर समझ तो गए बट बहुत भारी. कोई बात नहीं मैं बोल भी नहीं रहा हूं कि मुझे ये अभी का अभी आज का आज ही करवाना था. कल अब मैं इसका पूरा वापस से एक मस्त वाला रिवीजन लूंगा एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर इन योर हेड. सर सेकेंडरी पैकेजिंग नहीं आता है क्या कॉस्ट शीट में? आएगा ना बेटा प्रत्यांशी जी सेकेंडरी पैकेजिंग यहां पे आ जाएगा. अभी तो ये लिस्ट अनलिमिटेड है ना प्रत्यांशी जी अनलिमिटेड. अभी इसमें तो बहुत सारे कॉस्ट और ऐड होंगे. ये तो मैंने जनरली एक फॉर्मेट बनाया है. अब जनरल एडमिन में तो कितने सारे और कॉस्ट आएंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कितने सारे आएंगे. वाओ चल कैसा लगा जोर का झटका लगा धीरे से बट आई थिंक अचीवेबल मैनेजेबल कर पाए अपन समझ पाए. एक बार क्विक वे में मैं फॉर्मेट बना लूं आप लोग गाइड करोगे मुझे. एडमिन ओवरहेड में लिखा हुआ है जनरल एंड ऑफिस एक्सपेंसेस. नंदिनी जी बोल रही है ऑल क्लियर सर नॉट टू वरी. ये है जनरल एंड ऑफिस एक्सपेंसेस. डन चलो अब आई नो रैप अप कर रहा हूं डोंट वरी बट एक बार मेरे को थोड़ा क्विक ओवरव्यू दे दोगे क्या? और सुनो कल जब मैं चालू करूंगा ना पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आप लोग के दिमाग में एकदम सेट करवा दूंगा. ये मेरा वादा है आपसे. कल अपने टेक्स्ट बुक से सम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे. कल कुछ और बातें आप लोग से करनी है वो मैं करूंगा और एकदम मस्त में अब अपना ये चैप्टर आगे बढ़ने वाला है. चलो बट उसके पहले गाइस उसके पहले कैन आई से अब मैं फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करता हूं. सो मैं कर रहा हूं कॉस्ट शीट. इसको है ना कैसे समझना है मैं बताता हूं. देखो कॉस्ट शीट में सबसे पहला क्या है पता है? सबसे पहला है प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट में बोलो क्या क्या आता है? प्राइम कॉस्ट में आता है डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. बराबर है ठीक है. दूसरा क्या एस्पेक्ट है पता है? दूसरा एस्पेक्ट है फैक्ट्री कॉस्ट नेट फैक्ट्री कॉस्ट. दूसरा एस्पेक्ट है नेट फैक्ट्री कॉस्ट जिसको अपन कहते हैं
वर्क्स कॉस्ट, ये कैसे आता है, ये कैसे आता है? सो देखो, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। कोई मुझे बता सकता है ये ओपनिंग WIP को ऐड क्यों किया और क्लोजिंग WIP को लेस क्यों किया? कोई मुझे बता सकता है क्या? बोलो बोलो, चल चल। अच्छा, थर्ड थर्ड थर्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, ये कैसे आता है पता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नेट फैक्ट्री कॉस्ट पहले ऐड कर दो, नेट फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड कर दो QRACP, मिल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट ईयर का इस साल यूज करने वाले हैं, ओपनिंग WIP को करंट ईयर में यूज करेंगे। एग्जैक्टली नानी एंड पलक, एब्सोल्युटली करेक्ट। लॉजिकली समझ रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे गाइस। जय बात फोर्थ। अच्छा, कुछ लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं, आप लोग के भी कोई फ्रेंड्स है जिनको ज्वाइन होना है तो उनको बोल दो कि भाई यूट्यूब पे 2-3 लेक्चर जो इनिशियल वाले देख ले, कल परसों से उनको चाहिए तो लाइव में मैं ज्वाइन करवा दूंगा। एंड इस पीरियड, एंड जो क्लोजिंग है वो इस पीरियड का है ही नहीं, तो उसको मैं माइनस कर दूंगा। उसको लगा चल मेरे कॉस्ट शीट से निकल बाहर, तू इस पीरियड का ही नहीं, तू तो क्लोजिंग पे है, चल। वेरी नाइस। चल फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इधर क्या आएगा? COP प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो कैसे आएगा? COGS एड, एडमिन, जनरल वाला जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है वो उधर गया, एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब मिला के बनता है मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें मैं ऐड करूंगा प्रॉफिट एंड आई विल गेट सेल्स। ए संजीगुड़ू, तो अब देखो कितना इजी लग रहा है, कितना शॉर्ट एंड इजी लग रहा है, और इसको बस कल 2-3 बार मैंने रिवाइज करवा दिया ना, एकदम देखना मस्का बैठ जाएगा दिमाग में। डन गाइस, लॉजिकली एक एक चीज क्लियर हुई है, मजा आया। कट के बेटा, चल चल, ओके गाइस, हो गया है आज का सेशन कंप्लीट। यस, टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता। चलो, थैंक यू, कीप स्माइलिंग। ये लेक्चर आपका, ये जो नोट्स है वो अपलोड हो रहे हैं यस गूगल ड्राइव में, व्हाट्सएप ग्रुप में बनाता हूं, डन डन बना रहा हूं, बना रहा हूं। बाय, कीप स्माइलिंग, थैंक यू। क्या बात है, विकास जी बोल रहे हैं अमेजिंग, नहीं ओ यशस्वी, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट दिस वाज एन अमेजिंग लेक्चर, माय प्लेजर।
प्लेजर. आई होप एवरीबॉडी इज एंजॉइंग द सेशन गाइस. ठीक है, जरूर कमेंट करते रहो. सर लाइव में टाइम का पता ही नहीं चलता है. बेस्ट लेक्चर एंड बेस्ट टीचर. थैंक यू सो मच विकास. विकास तो ज्वाइन करने का भी नहीं सोच रहा था, जाते जाते इतनी अच्छी बात कह गया. थैंक यू विकास ब्रदर. थैंक यू, बाय बाय. विकास नहीं विवेक. ओके ओके. हास्ता ला विस्ता विवेक.